मेरी स्क्रीन आप लोगों के पास आ रही है, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक हो गया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, आज की जो हमारी क्लास है ना, आज की क्लास में लास्ट क्लास तक हमने चैप्टर 7 तक कंप्लीट किया था, चैप्टर 8 का भी थोड़ा बहुत किया था, लेकिन हम उसको दोबारा से आज स्टार्ट करेंगे। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं ना, वो है बेसिकली चैप्टर 8 में जो मेन टॉपिक्स हैं वो है आपका मर्जिंग और कंबाइनिंग। मर्जिंग और कंबाइनिंग होता क्या है भाई, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो भाई, अक्सर औकात के आपको क्लाइंट जो है ना, आप बोला कि यार ये मेरे पास वीडियोस शेयर, आप उनको देख लीजिएगा, अगर कोई हो तो नहीं तो फेसबुक पे भी शेयर है। डेटाबेस का टॉपिक आई थिंक मिस हो गया लास्ट लेक्चर में, नहीं आज कम्प्लीट हो जाएगा, वो आज कम्प्लीट हो जाएगा। थैंक यू सर। ठीक है, अच्छा तो जो है हम बेसिकली ज्वाइनिंग वगैरह पे काम करेंगे आज। ज्वाइनिंग और मर्जिंग क्यों जरूरत है, इसकी वजह क्या जरूरत क्या पड़ती है, पहले इस चीज को समझें। देखें भाई, अक्सर औकात ऐसे होता है कि क्लाइंट जो है ना हमें कहता है यार मेरे पास एक डेटाबेस मौजूद है, क्लाइंट जो हमारा जिससे हमने काम करवाया था उसने ये डेटाबेस बना के दे दिया, ठीक है। और उससे पहले हम काम करते थे फाइल्स में, उनकी कुछ सिचुएशन में इसको करना पड़ेगा, तो यही काम आज हम करने से pandas.merge जो है ना बेसिकली वो हमें हेल्प करता है दो डिफरेंट डेटा फ्रेम्स को मर्ज करने की लिए। ये दो डेटा फ्रेम्स मैंने बनाए हुए हैं सिंपल, और मैंने यहाँ चला दिया है .merge। अब ये कैसे चला है इसको समझते हैं थोड़ा। यहाँ आप देख सकते हो इन दोनों डेटाबेस डेटा फ्रेम्स में ये एक कॉलम सेम था की का, इसने उन दोनों को साथ लिया, एक बनाया और उसके बाद डेटा वन और डेटा टू यहां लाके दे दिया। बट ये काम उसने किया कैसे, पहले इसको समझते हैं। डीएफ वन और डीएफ टू मैंने इधर डिफाइन करें, अगर मैं पीडी डॉट मर्ज की डेफिनेशन पढूं तो वो ये कहता है कि भाई लेफ्ट वाला डेटा फ्रेम राइट वाला डेटा फ्रेम, हाउ मतलब किस तरीके का ज्वाइन करना है, बाय डिफॉल्ट इनर होता है, किस पर करना है वो डिफाइन कर दिया। तो ये सारी की सारी चीजें उन्होंने हमें इधर डिफाइन की हुई, जो अभी चार चीजें हमने यूज करनी है वो ये हैं, लेफ्ट राइट हाउ और ऑन, ठीक है। अभी जो इस वक्त हमने आर्ग्यूमेंट्स में पास किए हुए हैं, दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए हुए हैं, लेफ्ट वाला डाटा फ्रेम कौन सा होगा और राइट वाला डाटा फ्रेम कौन सा होगा, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कि भाई इसने ज्वाइन किया कैसे। ये लेफ्ट डाटा फ्रेम है, इसने सबसे पहले ये की पकड़ी बी और उसके साथ उसने डेटा देख लिया जीरो। अब यहां आया, यहां डीएफ टू के साथ उसने देखा कि हाँ यार इस पूरे डेटा फ्रेम में क्या कोई बी वाली वैल्यू मौजूद है, हाँ भाई ये मौजूद है, ये रही। तो इसने इस बी जीरो और इस बी वन को साथ कंबाइन करा और एक मुझे डेटा एक रॉ बना के दे दी। फिर आगे बढ़ा और कोई नहीं था, फिर अगले वाले बी पर आ गया, इसने देखा यार ये बी वन बी वाली की यहां सेम है और फिर यहां आके देखा तो ये वाली सेम है, तो बी वन और बी वन
ये इसने बना के दे दिया मुझे, ठीक है। फिर यहां आगे बढ़ा ए टू और यहां ए जीरो, ये बना के दे दिया इसने इधर। फिर आगे बढ़ा, उसने बोला सी थ्री, अब यहां कहीं सी मौजूद है इसकी में, नहीं मौजूद, तो इसने बोला ठीक है इसको डिस्कार्ड करो आगे बढ़ जाओ। इसने बोला ये रहा ए और यहां पर ये रहा फिर ए, तो ए फोर और ए जीरो, फिर ए फाइव ए जीरो, फिर बी सिक्स बी वन, ठीक हो गया। इसने फिर उनको सॉर्ट करके लाके दे दिया की के रिलेटेड। तो इस तरीके से इसने सिंपली मर्ज करा है। क्या ये मर्ज सबको समझ आया, इसमें कोई इश्यू है? सर इसमें लेफ्ट राइट कौन सा है, और ये पहले बी वालों को अरेंज करा फिर ए वालों को लिखा है? जी, जो पहली की उसको मिल गई उसने उसको अरेंज करके सारे लगा दिए, फिर ए, जो दूसरी की उसको सेम मिली उसने उसके अरेंज करके सारे चला दिए। थ्री फोर फाइव इंडेक्स पे बता दें जी कैसे इसको मर्ज किया है। देखें ये ए ए वाली की है, ठीक है, की को देखें आप, की कौन सी है, ए है। लेफ्ट इंडेक्स पर लेफ्ट लेफ्ट डेटा फ्रेम में देखा ये रहा ए, ए पे क्या मौजूद है, टू मौजूद है। फिर राइट डेटा फ्रेम पर आया, इसने बोला हाँ यहाँ पर मुझे सेम वैल्यू मिली है, तो ये वाला ए और ये वाला ए सेम हो गया। इसने बोला हाँ डेटा जी डेटा वन इसका टू है और डेटा टू जो है इसका जीरो है, इसने उठा के लाके इधर रॉ बना दी। तो डेटा वन में जितनी मर्तबा ए होगा या ए की वैल्यू होगी उतनी मर्तबा उसे मर्ज करेगा दूसरे में से ढूंढ के? सॉरी सर, डेटा वन जो है ना उसमें अगर ए रिपीट हो रहा है या बी रिपीट हो रहा है तो वो उसे उतनी मर्तबा दूसरे से वैल्यू डेटा वन टू से वैल्यू लेके कंबाइन करेगा उसे। यार पहले तो आप सब अपने माइक म्यूट कर लें, पर बेहतर ये है कि आप सबको म्यूट कर दें, हैंड रेज कर लिया करेगा कि जो भी जिसको चाहिए होगा, अदरवाइज ये डिस्टरबेंस होगी, ठीक है। अच्छा देखो भाई, डेटा वन में ये बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है ये समझो आप, कि अगर इसके अंदर तीन वैल्यूज हैं, डेटा फ्रेम वन में तीन कीज हैं, बी टी तीन बार मौजूद है ऐसे समझो, डेटा फ्रेम वन के अंदर बी तीन मौजूद है और डेटा फ्रेम टू के अंदर बी दो मौजूद है, तो ये मल्टीप्लाई करेगा थ्री टू जो सिक्स, तो जो फाइनल आउटपुट आएगा आपके पास छह बी मौजूद होंगे। ये कैसे करेगा, इसने बोला यार ये बी जीरो है पहली मर्तबा में मिला, यहां देखो कितनी बार मिला है, यहां पर उसको एक दफा ही मिला, तो इसने इसका और इसका बना के एक रॉ बना दी, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला बी यहां से किसी से मैच नहीं हो रहा, इसने यहां का नहीं खत्म करी, ये वाला बी उठाया, इसको चेक करा, इसके साथ ये वाला बी मिला और आगे कोई और बी नहीं है, इसने बना दिया खत्म। फिर ये वाला बी उठाया, यहां चेक करा इसके साथ और ये बना दिया। अब अगर यहां कोई और बी होता, हम ऐसे कर लेते हैं, फिर देखते हैं आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। अब आप नोट कर रहे हो, अब इसने पहले इसको ट्रैवर्स करना स्टार्ट करा, इसको लिया और इनमें चेक करा बी जीरो बी वन फिर बी जीरो बी थ्री, बी जीरो बी वन बी जीरो बी थ्री, फिर ये वाली कहानी इस पूरे बी के लिए खत्म हो गई। अब इस वाले लेफ्ट वाले को लेकर इस सब से चेक करना शुरू करा बारी बारी, बी वन बी वन बी वन बी थ्री, बी वन बी वन बी वन बी थ्री, फिर इसी तरीके से आगे चलता गया। इसने बोला ए टू ए जीरो, ए टू ए जीरो, ए फोर ए जीरो, ए फाइव ए जीरो, ए के साथ सबको चेक करा बिल्कुल इसी तरीके से, बी सिक्स बी वन बी सिक्स बी थ्री, ठीक है। ये सिंपल था। अरे जी सर जी, वो ये कि उसने ये की वाले को देखा हुआ है कॉलम को, ये डेटा वाले देख के उसको की नहीं करा, मतलब इसको क्या पता चलेगा कि मैंने कौन सा कॉलम से? देखो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप यहाँ डिफाइन नहीं कर रहे ना कि भाई कौन सा कॉलम यूज करना है, तो वो बाय डिफॉल्ट जो कॉलम दोनों में सेम होगा उसको यूज करेगा। और जब भी आप कभी डाटा मल्टीपल डाटास को सेव करने लगो, मल्टीपल डाटास को ज्वाइन करने लगो, तो हमेशा याद रखो कि उसके अंदर कोई एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर आप मर्ज कर सको। जैसे अगर किसी ने डेटाबेसिस को पढ़ा हो तो उसको आइडिया होगा कि यार जब हम दो डेटाबेसिस पे ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक प्राइमरी की होती है और एक फॉरेन की जरूरी होती है जिसके ऊपर हम ज्वाइन कर सकते हैं,
ठीक है, अभी हम उसके जो है इतने डिटेल में नहीं जा रहे कि भाई प्राइमरी की क्या होती है और फॉरेन की क्या होती है। मैं बस इतना आइडिया देना चाह रहा हूँ कि भाई जब भी आप मल्टीपल डाटा फ्रेम्स को ज्वाइन करने लगो तो हमेशा याद रखो कि भाई आप लोगों के पास जो है, एक मिनट रुक गया पहले तो आप सब, ठीक है तो सॉरी यार कहाँ थे हम, जब भी आप मल्टीपल डाटा फ्रेम्स को ज्वाइन करने लगो तो हमेशा याद रखो कि एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जिसको जिसके थ्रू आप जो है ज्वाइन कर सको, ठीक है। अगर उनका कॉलम का नाम सेम नहीं भी है तो दैट्स फाइन, क्योंकि पॉसिबल हो सकता है कि किसी ने दो अलग अलग डाटा फ्रेम्स अगर आप उठा रहे हो तो किसी ने कॉलम का नाम कुछ और रखा हुआ हो, किसी ने कॉलम का नाम कुछ और रखा हुआ हो, दैट्स फाइन, बट उनकी वैल्यूज सेम होनी चाहिए जिसके ऊपर आप मर्ज कर सको, ठीक है। अब जैसे यहां मैंने डिफाइन नहीं करा हुआ कि यार कौन सी वैल्यू मुझे चाहिए, किस की पर आपने काम करना है, तो बाय डिफॉल्ट जो सेम वाली की होगी वो उसको पिक कर लेगा, ठीक है। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है कि हम यहाँ पर डिफाइन करें कि भाई हमें किस पर मर्ज करना है, तो मैंने यहाँ बताया कि भाई मुझे की पर मर्ज करना है, ठीक है, सही है। आगे बढ़े, जो सिमिलर कीज होंगी सिर्फ उनको कैरी करेगा और बाकी को, हाँ सिर्फ उनको। बेसिकली देखें मर्ज ज्वाइंस जो होता है ना, चार टाइप के ज्वाइन होते हैं, इनर, आउटर, लेफ्ट और राइट। अभी मैं आऊंगा उसी पर तो मैं बताऊंगा कि ये कौन सा ज्वाइन हो रहा है और डिफरेंट ज्वाइंस किस तरह लगा सकते हैं हम, ठीक है। अभी बाय डिफॉल्ट हम इनर ज्वाइन कर रहे हैं। अब क्या चीजें होती हैं, इनर में क्या होता है, आउटर में क्या होता है, मैं अभी बताता हूं आगे। पहले ये बेसिक चीज समझ आइए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये वही वाली कहानी है कि अगर मेरे पास एक डेटा फ्रेम है जिसके अंदर लेफ्ट की के नाम से कॉलम है और एक डेटा फ्रेम है जिसके अंदर राइट की के नाम से कॉलम है, तो फिर अब क्या करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हम यहां बताएंगे कि भाई डीएफ थ्री लेफ्ट वाला, ये राइट वाला, और लेफ्ट पे किस पर ज्वाइन लगाना है, लेफ्ट की के कॉलम पे ज्वाइन लगाना है, राइट पे किस पे ज्वाइन लगाना है, राइट की के कॉलम पे ज्वाइन लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप डिफाइन करोगे तो फिर वो लेफ्ट वाले और राइट इस कॉलम को पिक करेगा लेफ्ट में से, और राइट में से इस कॉलम को पिक करेगा और ज्वाइन कर देगा, ठीक है, सही है। रिपीट कर दिया एक दफा। अच्छा देखो, अच्छा देखो मैं बताता हूँ, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है, ये आसान है। अब अक्सर औकात ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती हैं कि जब आपने मल्टीपल डाटा फ्रेम्स पिक करे ना, जैसे आपने कहीं डेटाबेस में से कुछ डाटा उठाया हुआ है, कुछ सीएसवी में से उठाया हुआ है, तो दोनों पे काम करने वाले बंदे भी अलग अलग होंगे, इट इज पॉसिबल। तो किसी ने जो है डेटाबेस में जब की रखी थी तो उसका नाम कुछ और रखा है कॉलम का, और वही कहानी जब हमने सीएसवी में गए तो उधर कॉलम का नाम कुछ और है, वैल्यूज बल्ले सेम है लेकिन कॉलम का नाम चेंज हो चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम इसको मर्ज करने लगेंगे तो हम इधर ऑन तो ऑन पे बता ही नहीं सकते कि यार कौन सी वैल्यू पे काम करना है, क्योंकि कॉलम के नाम चेंज है हमारे पास अब। तो इसलिए हम लोग यहां पर लेफ्ट ऑन और राइट ऑन का यूज करते हैं कि भाई लेफ्ट वाले में से ये वाला कॉलम पिक करो और राइट डेटा फ्रेम में से ये वाला कॉलम पिक करो और फिर उन दोनों के करेस्पॉन्डिंगली मर्ज करके दो, ठीक है। तो सर ये मर्जिंग हुई कैसे है फिर? ये मर्जिंग बिल्कुल वैसे ही हुई है जैसे ये वाली मर्जिंग हुई है, कोई चेंज नहीं है इसमें। यहां अगर आप नोट करो तो B0 B1 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 B6 B1 बिल्कुल वैसे ही जैसे यहां हुई थी B0 B1, फिर इस B1 को उठाया पूरे से ट्रैवर्स करो B1 B1 मिला, फिर ये A2 A0, फिर ये C3 यहां नहीं मिला, इसने बोला चलो भाई डिस्कार्ड करो आगे बढ़ो, A4 A0 A5 A0 B6 B1, ये रहा B0 B1। जी इसका मतलब है दोनों कीज शो होंगी इस केस में, अगर हाँ इस केस में दोनों कीज सेम होंगी क्योंकि दोनों के कॉलम अलग अलग हैं, अलग अलग, सही ठीक है। अच्छा भाई आगे बढ़े। जी जी
अच्छा अब आती है बात मैनी टू मैनी ज्वाइन की। अच्छा अभी तक जो हम लोग ज्वाइन कर रहे थे ना वो हम यूज कर रहे थे इनर। मैंने बताया था जब मैंने इसका डेफिनेशन पढ़ी थी तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि बाय डिफॉल्ट जो ज्वाइन हो रहा होता है ना वो इनर ज्वाइन हो रहा होता है। अच्छा अब ये इनर ज्वाइन होता क्या है भाई, आप लोग एक बात नोट करो कि यहां पर जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो ये नोट करो जरा, यहां पे सी इस वाले डेटा फ्रेम में नहीं था, क्या हुआ डिस्कार्ड हो गया आउटपुट में, मिला ही नहीं। तो इनर जो है ना बेसिकली इंटरसेक्शन करता है, किसी ने 6, 7, 8 में सेट्स पढ़े होंगे आप लोगों ने, तो सेट्स में दो टाइप के ऑपरेशंस होते थे, एक होता था यूनियन एक होता था इंटरसेक्शन। इनर जो है ना वो एग्जैक्टली इनर जो है वो कॉमन वैल्यूज इंटरसेक्शन को सिर्फ ला के देगा। तो यहां पर जो कॉमन थी सिर्फ वही आई जो दोनों डेटा फ्रेम में मौजूद नहीं थी, दोनों हट गई। जैसे डी यहां पर मौजूद था नहीं आया, सी यहां पर लेफ्ट वाले में सी था नहीं आया, राइट वाले में डी था नहीं आया, ठीक है। तो ये था इनर ज्वाइन। और भी तीन तरीके के ज्वाइन होते हैं हमारे पास, एक होता है लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और आउटपुट ज्वाइन, ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, लेफ्ट ज्वाइन बेसिकली लेफ्ट वाले में अगर कोई मौजूद नहीं भी है, लेफ्ट वाले के कॉमन वाले पिक करेगा, राइट वाले के कॉमन वाले पिक करेगा, और क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन है तो लेफ्ट वाले के जो अनकॉमन है उनको भी पिक करेगा, ठीक है। नहीं आई बात समझ में। इनर ज्वाइन क्या करता है, दोनों के कॉमन पिक करके लाके देगा। लेकिन जब मैं लेफ्ट ज्वाइन पे काम करूंगा तो लेफ्ट ज्वाइन दोनों के कॉमन तो पिक करेगा करेगा, लेकिन साथ ही साथ लेफ्ट वाली में अगर कोई अनकॉमन वैल्यू भी मौजूद है, जैसे यहाँ सी मौजूद है, तो अगर मैं इधर लेफ्ट ज्वाइन लगाता तो वो सी को भी ला के देता मुझे। देखो ऑन सॉरी हाउ इक्वल टू लेफ्ट अगर मैं करूंगा तो अब वो मुझे यहां पर सी का भी आउटपुट देगा कि डेटा वन में तो सी मौजूद है, डेटा टू में सी मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट ज्वाइन था। अगर यही मैं राइट ज्वाइन करता तो वो राइट वाला डेटा लाके देता और लेफ्ट वाला नहीं लाके देता। जैसे डी हो जाएगा सर, अगर हम डी सिर्फ डी मिलेगा अगर मैं यहाँ इसको राइट कर देता हूँ, राइट करते हैं, सही सर। ठीक हो गया, लेफ्ट और राइट कैसे डिलीट करेंगे, क्या मतलब लेफ्ट लेफ्ट टेबल कौन सा और राइट कौन सा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये रहना यार, देखो df3 आपने इधर पास करा हुआ है तो df3 में ये वाला df3 है, ये रहा टेबल, ये लेफ्ट टेबल है जो आपने इधर पहला जो यहाँ का डेफिनेशन बोल रहे हो, जो पहला पास कर रहे हो वो लेफ्ट है, जो दूसरा पास कर रहे हो राइट है, ठीक है। तो लेफ्ट वाले में से आपने बोला भाई लेफ्ट की पिक करनी है जब मर्जिंग के लिए, राइट वाले में से राइट की पिक करनी है मर्जिंग के लिए, किस तरीके का मर्ज करना है, राइट मर्ज करना है, ठीक है। और यही अगर मैं इसको कहता हूं आउटपुट तो क्या करेगा ये, सॉरी आउटपुट नहीं है यहां पर, आउट है मेरा ख्याल है, आउटपुट आउटर है, आउटर आउटर, ठीक है। अब ये यहां से उसने सारे कॉमन तो उठाए उठाए, लेकिन फिर लेफ्ट वाले में जो अनकॉमन था वो भी लाया और राइट वाले में जो अनकॉमन था वो भी ले आया, ठीक है। अच्छा, तो ये आउटर जो है दोनों दोनों लेफ्ट और राइट दोनों की काम करेगा, दोनों के लिए काम करेगा, एग्जैक्टली। सर ये जो लेफ्ट वाला है, सॉरी सर ये जो राइट वाला है, ये लेफ्ट और राइट दोनों के कॉमन तो लेके आएगा लेकिन राइट के अनकॉमन भी लेके आएगा ना, राइट के अनकॉमन भी लेकर आएगा। यहाँ आप देख सकते हो, मैं इसको बल्कि यहीं पे अप करके दिखाता हूँ, यहाँ ये लेफ्ट है, ये दो डेटा बेस डेटा फ्रेम है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट वाले में सी अनकॉमन है और राइट वाले में डी अनकॉमन है, ठीक है। जब मैंने इधर लेफ्ट लगाया तो आप देख सकते हो सिर्फ सी लेकर आया, डी नहीं लाया इस पूरे में कहीं पे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से जब मैंने राइट लगाया तो उसने क्या करा, उसने डी लाके दिया और सी लाके नहीं दिया क्योंकि सी अनकॉमन था अब यहां पर, और वो लेफ्ट का अनकॉमन था, राइट का अनकॉमन नहीं था। तो राइट में जब राइट लगाया तो उसने राइट वाले का अनकॉमन लाके दे दिया। इसी तरीके से अगर इनर करूंगा तो कोई अनकॉमन नहीं लाएगा, सिर्फ कॉमन लाएगा, और अगर आउटर करूंगा तो जितने कॉमन अनकॉमन है सब लेकर आ जाएगा, सारे आ जाएंगे, ठीक हो गया जी। यहाँ तक कोई इशू है, आगे बढ़े जी। सर आप कुछ भी नया कर रहे हैं ना तो उसको नए सेल पे कर दिएगा ताकि याद रहे वो चीजें। मैं यार जितना मैंने किया अभी तक सब नए सेल पर ही किया, फिक्र नहीं करो, ठीक है। अच्छा अब अक्सर औकात ऐसे भी होता है। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह सर। और बाकी बच्चे कैसे हैं भाई, सब ठीक है? अल्लाह का शुक्र है सर। जबरदस्त जबरदस्त, कैसी जा रही है? सर बस एंडिंग है, बेहतरीन सर। स्मूथ जा रही है सर। किसका एंडिंग है? चैप्टर 8 का एंडिंग है ऑलमोस्ट। इसके बाद डेटाबेसेस वाले की एक एग्जांपल करके दिखानी है बस। अच्छा जबरदस्त, बस बच्चों का एंड ना हो जाए, ये थोड़ा थोड़ा जो है बढ़ाना। अच्छा एक मिनट जो है ना, मुझे मैंने उमर तुम्हें फाइल्स भी भेज दी है व्हाट्सएप पे और नोटबुक भी भेज दी है, मुझे एक मिनट के लिए होस्ट बनाओगे? जी सर मैम। तो बल्कि तुम एक काम करो, ये पूरा पहले कम्प्लीट कर लो, फिर मैं वो इन्हें दिखा दूंगा जो इन्हें जो है ना स्टडी करना है। ठीक है। ये जो हम काम कर रहे हैं ना अभी, आप लोग सब लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये जो हम काम कर रहे हैं ना, असल में जो आपकी डेटा एनालिसिस का काम शुरू होता है, वो शुरू यहाँ से होता है, समझे? और उसकी मैंने एक दो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जो है ना अभी बना ली है मैंने नोटबुक, थोड़ी देर से मैं इसीलिए अभी आया हूँ। और असल में होता यही है कि जब हम किसी के लिए रियल में काम कर रहे होते हैं ना, अब ये तो फू फू बा 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 कर आ रहे हैं, चलो कोई मतलब नहीं, आपको सिंटैक्स समझ में आ रहा है, लेकिन मसला सिंटैक्स के समझने के साथ साथ जो है ना वो एक्सपोजर का भी है डाटा के साथ, कि उस वक्त हमारे पास यही हो रहा होता है कि जब कोई प्रॉपर डाटा बेस बना होता है, वो टेबल्स में डाटा आ रहा होता है, तो वो फिर एक हमारे पास डाटा फ्रेम नहीं होता ना, तो फिर बहुत सारे डाटा फ्रेम होते हैं, ठीक है? तो उन बहुत सारे डेटा फ्रेम्स को मिला जुला के किस तरह काम करना, आप ये काम सीख रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं बीच में सिर्फ इसलिए इंटरप्ट किया है कि इस पर थोड़ा सा ध्यान रहे कि लेफ्ट मर्ज राइट मर्ज क्या है, इनर ज्वाइन क्या हो रहा है, आउटर ज्वाइन क्या हो रहा है, इनर में लेफ्ट शामिल होगा नहीं शामिल होगा, कौन सा डेटा फिल्टर नहीं होगा, किसका मिसिंग शामिल नहीं होगा, जो की उसके अंदर है दूसरे में नहीं है, इसको बड़े इंटरेस्ट के साथ आपको सुनना है और बहुत पकड़ के चलना है इसको, ये बिल्कुल जो है ना इसके अंदर कॉन्सेप्ट की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो उमर जब ये खत्म कर लेंगे ना, तो इंशाल्लाह मैं वो आपको काम जो है ना वो करवाता हूँ, तो उसमें भी आपको ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि वो हमारे पास लाइव डाटा जो है वो मौजूद है ई कॉमर्स का, ठीक है? उमर कंटिन्यू करें। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ तक काम हमने किया, अब जो कहानी है ना, अब कहानी ऐसी है कि भाई ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि मैं चाह रहा हूँ कि मल्टीपल कीज के रिलेटेड मर्ज करके दो, कि एक ही टेबल में दो अलग अलग कीज हैं और मैं चाह रहा हूं कि उनके करेस्पॉन्डिंग मुझे मर्ज करना है। जैसे अगर आप यहां देखो तो एक की है फू और एक है वन, यहां पर भी ऐसी कीज मौजूद हैं। तो अगर मुझे कभी ऐसी सिचुएशन अकर हो जाए कि यार जो है दोनों टेबल्स में अलग अलग कीज मौजूद है और मैं चाहता हूं उनके करेस्पॉन्डिंग मुझे जो है मर्जिंग करवानी है, तो लाजमी नहीं है हमेशा मल्टीपल कीज मौजूद हो, जब एक की मौजूद होगी तो आप एक ही की यूज करोगे। कभी ऐसा भी हो जाता है कि यार मैं चाह रहा हूँ कि की एक ही मौजूद है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैं चाह रहा हूँ कि यार एक टेबल में, जैसे आप ऐसे समझो, एक टेबल में मेरे पास एक यूजर का डाटा मौजूद है, दूसरे टेबल में भी मेरे पास यूजर के मल्टीपल यूजर्स का डाटा मौजूद है, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि मर्ज सिर्फ वहां हो जहां पर यूजर आईडी के साथ साथ यूजर नेम भी सेम हो। को बात समझ आ रही है मेरी? मैं चाह रहा हूं कि भाई मर्ज सिर्फ वहां करना जहां यूजर आईडी के साथ साथ यूजर नेम भी सेम हो। तो ऐसी सिचुएशन में अब की तो एक ही है टेबल में मेरे पास, लेकिन मुझे मर्ज मल्टीपल कीज पे करना है, मुझे मल्टीपल कॉलम्स पे मर्ज करना है, तो ऐसी सिचुएशंस में फिर हम लोग मल्टीपल मर्ज भी लगा सकते हैं और उसमें कुछ मसले की बात नहीं है। आपने जैसे आप यहां देख सकते हो, ये की वन है, ये की वन मौजूद है। एक तरीका तो ये, मैं सिंपल यहाँ पे की वन पास करूंगा और वो मर्ज करके मुझे दे देगा, मैं भी आपको, ठीक है? ये डेटा फ्रेम आप लोगों को समझ आ गए ना, अब हम इसको मर्ज करते हैं। सर ये सेम कंसेप्ट जैसे डेटाबेस का है, इनर जॉइन लेफ्ट जॉइन, वही वाला कंसेप्ट? ठीक है, मैंने इधर लेफ्ट में लेफ्ट पास करा, राइट में राइट पास करा और मैंने बोला सिर्फ की वन पे मर्ज करना है, तो उसने मर्ज करके दे दिया मुझे, ठीक है? यहीं पर अगर मैं बोलूं कि यार की वन पे मर्ज नहीं करना मुझे, मुझे जो है की वन के साथ साथ की टू को भी लेके चलना है और फिर मर्जिंग करनी है। तो अब अगर आप नोट करो तो इसने कुछ इस तरीके से मर्ज करा। अब ये मर्ज कैसे करा है इसको समझो पहले। फू वन, अगर मैंने इसको की वन बोला था तो ये सिर्फ और सिर्फ फू को लेता हुआ
इधर सबको चेक कर रहा था, जहां जहां पर भी फू मौजूद थे मर्ज करके दे रहा था, ठीक है। लेकिन अब जब मैंने इसको मल्टीपल कीप बोला ना, तो इसने फू और इस वन, इन दोनों को साथ लिया, इन दोनों को एक की बनाई। अब फू और वन को लेता हुआ चेक करेगा कि यहां पूरे डेटाबेस में कहां पर फू और वन पूरा मौजूद है। तो इसने फू वन और फू वन ये एक पूरा मिला, तो इसने इसकी एक वैल्यू बना के लाके दे दी, ठीक है। फिर यही कहानी फू वन के साथ, यहां पर इसको ये वाली वैल्यू भी मिली, फू वन के साथ मैच हुई तो इसने ये वाली वैल्यू भी लाके दे दी। फिर आगे बढ़े तो इसने बोला कि भाई बार वन, ये रहा बार फू वन फू टू हो गया, फिर ये रहा बार वन। अब यहां आप नोट करो बार वन में मेरे पास 3.0 6.0 आ गया, तो इसने इस तरीके से मर्ज कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि ये आउटर जॉइन है तो इसने यहां पर ये वाली वैल्यू भी लाके दे दी है, फू टू वाली भी और बार टू वाली भी, जो कि इन दोनों में अनकॉमन मौजूद थे, ठीक है। इन दोनों में जो अनकॉमन थे वो लाके दे दिए। अगर मैं यहां इनर करूंगा तो क्या करेगा भाई, सिर्फ कॉमन वाले लाके देगा, फू वन और बार वन, दैट्स इट। अगर यहां लेफ्ट करूंगा तो क्या होगा, तो सिर्फ वो लाके देगा जो लेफ्ट कॉलम में, जैसे फू टू लाके देगा, क्योंकि लेफ्ट कॉलम लेफ्ट डेटा फ्रेम में फू टू अनकॉमन मौजूद था, तो उसने सिर्फ वो लाके दिया, राइट में नहीं लाके दिया। यही कहानी अगर राइट कर दूंगा तो राइट वाला लाके देगा, लेफ्ट वाला नहीं लाके देगा, ठीक है। ये चार चीजें बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक है। किसी को यहाँ तक कोई इशू है, रिपीट कर दो भाई दोबारा से, कितनी खामोशी छाई हुई है मुझे ऐसा लग रहा है कि... नहीं सर, मैं अभी पीछे भी दो तीन बार इसको रिपीट करके आया हूँ, दोबारा कर, दोबारा कर, ठीक है। अच्छा भाई देखो सर, यहाँ पे इनर जॉइन आउटर जॉइन लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन वैसे ही वर्क कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे, बिल्कुल 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 वैसे ही वर्क कर रहे हैं, इनर आउटर लेफ्ट और राइट में कहीं कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि अब यहां पर मैंने फिर इसको दोबारा से देखते हैं, ये एक डेटा फ्रेम बना हुआ है की वन का और की टू का। की वन में मेरे पास फू फू और बार मौजूद है, की टू में ये वाली वैल्यूज मौजूद है। यही इसी तरीके से यहाँ की वन और की टू, यहां पर भी डेटा फ्रेम बना हुआ है मेरे पास। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई मेरे, जैसे इसको ऐसे कंसिडर करें, आईडी यूजर नेम, यूजर आईडी यूजर नेम के साथ फिर आगे कुछ वैल्यूज मौजूद है। दोनों टेबल्स में ऐसा है कि भाई यूजर आईडी और यूजर नेम्स दोनों में, दोनों टेबल्स में मौजूद है, और मैं ये चाहता हूं कि यार इनके करेस्पॉन्डिंगली मर्ज हो। जैसे कि मैं कहता हूं यार यूजर की आईडी और यूजर का नेम, यहां पर भी मैं ये कह रहा हूं कि भाई यूजर का नेम और यूजर की आईडी, मैं चाहता हूं कि भाई एक मर्ज तो सिंपल ये हो यूजर आईडी के रिस्पॉन्ड, अगर मैं यहां सिर्फ और सिर्फ यूजर आईडी पास कर दूंगा तो वो यूजर आईडी पर मुझे मर्ज करके दे देगा, ठीक है। उसने मर्ज करके दे दिया, यहां से सफिक्स लगाए इसमें कोई, तो ये मर्ज यूं समझ लें कि ये यूनियन ले लिया उसने, नहीं अभी यूनियन नहीं लिया सर, इसमें अभी राइट लगा हुआ था मैं, जब ऑन सॉरी हाउ आउटर करूंगा तो अब उसने यूनियन ले लिया, ठीक है। यहां अगर मैं इसको इनर करूंगा तो वो इंटरसेक्शन करूंगा, इंटरसेक्शन, ठीक है। इसी तरीके से लेफ्ट करूंगा तो लेफ्ट, राइट करूंगा तो राइट। मैंने बोला कि यार मुझे जो है यूजर आईडी के साथ साथ यूजर नेम पर भी मर्ज करना है, ठीक है। यूजर आईडी के साथ साथ यूजर नेम पर भी मर्ज करना है कि जहां यूजर आईडी और यूजर नेम सेम हो सिर्फ वही लाके देना। तो ये यूजर आईडी यूजर नेम, ये यूजर आईडी यूजर नेम सेम हो, उसने मर्ज कर दिया उठा के ला। यही कहानी यहाँ की उसने फू वन के साथ, फिर यहाँ फू वन एक और मौजूद था, इसने बोला हाँ यार ये भी सेम एंट्री है, इसको भी उठा के ला के इधर दे दो। फिर यहाँ आगे बढ़े, उसने बोला यार बार वन और ये रहा बार वन, ये इन दोनों में सेम मिला के दे दो, ठीक है। फू टू यहाँ पर सेम नहीं था, बार टू सेम नहीं था, इसने नहीं लाके दिया। ये हुआ इनर जॉइन। यहीं पर अगर मैं आउटर करूंगा तो वो सब लाके देगा, फू टू भी लाके देगा और बार टू भी लाके देगा। यहीं अगर मैं लेफ्ट करूंगा तो उसने मुझे सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट इंडेक्स लाके, लेफ्ट इंडेक्स लेफ्ट डेटा फ्रेम में जो
जैसे लेफ्ट डेटा फ्रेम में फू टू अनकॉमन था तो इसने वो अनकॉमन लाके दिया, राइट वाला लाके नहीं दिया। यही कहानी यहाँ राइट कर दूंगा तो सिर्फ राइट डेटा फ्रेम में से लाके देगा, लेफ्ट में से लाके नहीं देगा। ठीक है, आगे बढ़े भाई। लेफ्ट राइट का थोड़ा सा समझा दीजिए। जी सर। अच्छा देखो भाई, ये है इनर जॉइन। इनर जॉइन क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ अनकॉमन कॉमन लाके देगा, इंटरसेक्शन करके देगा। इंटरसेक्शन करके ये और ये इनमें से जो कॉमन थे सिर्फ वो लाके दे दिए। ठीक हो गया। ठीक है, फू टू और बार टू दोनों में अनकॉमन है। लेफ्ट में फू टू अनकॉमन है और राइट में बार टू अनकॉमन है। ठीक है, तो इसने इनर में वो नहीं लाके दिए। अगर मैं इधर लेफ्ट लगाऊंगा ना तो लेफ्ट डेटा फ्रेम में, लेफ्ट डेटा फ्रेम कौन सा वाला है, लेफ्ट वाला है जो ये रहा, लेफ्ट डेटा फ्रेम में जो अनकॉमन है वो भी लाके देगा। कॉमन तो लाके देगा देगा, लेफ्ट वाले के अनकॉमन भी लाके देगा अगर इधर लेफ्ट लगा। वो लेफ्ट से राइट पे मैप करता जा रहा है ना। जी, और अगर यहाँ पे मैं राइट लगाता हूं तो वो क्या करेगा, लेफ्ट और राइट के कॉमन तो लाके देगा देगा, लेकिन साथ साथ राइट के अनकॉमन भी लाके देगा। सही है। ठीक है, और अगर यहीं पर मैं आउटर लगा दूंगा तो वो दोनों के अनकॉमन लाके देगा। ठीक है जी। ठीक है सर। ठीक है, आगे बढ़े भाई। जी सर। अच्छा भाई, अब है बात मर्जिंग ऑन इंडेक्सेस। अक्सर औकात ऐसे भी होता है कि आपने एक डेटाबेस उठाया जिसके अंदर जो की थी वो आप एक की का कॉलम मौजूद था, आपने बोला कर दें, पता नहीं कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं। ठीक है, म्यूट म्यूट सही है भाई। अच्छा, अब अक्सर औकात ऐसे भी होता है कि आपने एक डेटाबेस उठाया जिसके अंदर कॉलम का नाम था की, आपको पता चल गया यार इस की पर मुझे जो है ना मर्ज करना है। ठीक है, लेकिन आपने जब दूसरा डेटाबेस उठाया है, दूसरा टेबल उठाया है, दूसरी सीएसवी उठाई है, दूसरा डेटा फ्रेम उठाया, उसके अंदर जो है की का कोई कॉलम ही नहीं था, उसके अंदर जो कॉलम जो सेम हो रहा था वो इंडेक्स का हो रहा था। बात समझ आ रही है, इंडेक्स क्या होती है पहले ये चीज समझो भाई। ये कॉलम नेम्स तो डिफरेंट है लेकिन एक कॉलम है ही नहीं की का एक डेटा फ्रेम में। जैसे ये मेरे पास यूजर आईडी का डेटा फ्रेम है, एक डेटा फ्रेम है जिसके अंदर यूजर आईडी का कॉलम मौजूद है। ठीक है, ये फू फू बार बार करके, इसी के इवज में जब मैं इस डेटा फ्रेम में आया तो यहां पर भी यूजर आईडी का एक कॉलम मौजूद है। मुझे आइडिया हो गया कि हाँ यार इस कॉलम को और इस कॉलम को मर्ज करना है क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज क्या है भाई, सेम है। ठीक है, अब जब मैं आगे बढ़ा मैंने बोला नहीं यार ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि दोनों के नाम डिफरेंट हो, तो मैंने बोला हाँ ठीक है कोई मसला नहीं है, मैं इधर लेफ्ट ऑन पे बोलूंगा कि यार यूजर आईडी यूज करनी है और राइट ऑन पे बोलूंगा यूजर आईडी यूज करनी है, तो इन दोनों को मर्ज करवा लूंगा सिंपली। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि लेफ्ट कॉलम में, लेफ्ट डेटा फ्रेम में कोई एक डेटा फ्रेम ऐसा मिले जिसके अंदर तो आईडी मौजूद है, आईडी का कॉलम मौजूद है कि हाँ यार इस पर मर्ज करना है, लेकिन जो दूसरा डेटा फ्रेम है उसके पास कोई आईडी का कॉलम ही नहीं है। जैसे यहां पर ये एक है और एक ये वैल्यू है, ये नोट करो आप इसको देखो, ये एक डेटा फ्रेम था जिसके अंदर की वैल्यू मौजूद है और की का कॉलम मौजूद है और वैल्यू मौजूद है, लेकिन वहीं दूसरा जो डेटा फ्रेम मिला वहां पर ऐसा कुछ है ही नहीं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप वैल्यू मौजूद है, तो अब इसको कैसे मर्ज करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्सेस। क्यों? क्योंकि इसके इंडेक्सेस और इसकी कीज सेम है। बात समझ आ रही है, इसकी की वैल्यूज और इसके इंडेक्स की वैल्यूज दे बोथ आर सेम, तो हम अब इसके करेस्पॉन्डिंग इनको मर्ज कर सकते हैं। बात समझ आ रही है मेरी? जी। ठीक है, तो अब कैसे मर्ज करेंगे, कैसे मर्ज करेंगे? तो बिल्कुल सिंपल है, आप जब मर्ज करने लगे ना तो आपने बोला कि भाई लेफ्ट वाले के लिए लेफ्ट ऑन यूज करते हैं ना, तो लेफ्ट वाले के लिए तो आप लेफ्ट की यूज कर लो, मर्ज की डेफिनेशन में ही आपने बता दिया भाई लेफ्ट वाले के लिए क्या यूज कर लो, लेफ्ट ऑन पे की यूज कर लो, लेफ्ट के डेटा फ्रेम में की का कॉलम है इसको यूज करना है, राइट के डेटा फ्रेम में की का कॉलम नहीं है तो आप राइट का इंडेक्स अगर आप वहां ट्रू कर दोगे तो वो बाय डिफॉल्ट जब मर्जिंग करेगा
तो राइट वाले में से जो कॉलम पिक करेगा वो उसका इंडेक्स पिक करेगा, आपको सिर्फ इधर एक पैरामीटर ऐड करना है राइट इंडेक्स इक्वल टू ट्रू। ये सर यहाँ पे कोई इंडेक्स हमें नजर तो नहीं आ रहा राइट पे भाई, ये देखो राइट पे यहाँ पर ये जो टॉप पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड पर ए और बी नजर आ रहा है बोल्ड में, ये इसका इंडेक्स है। जैसे यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बोल्ड में जो है ना ये इसके इंडेक्सेस हैं कि जब आप स्लाइसिंग करके वैल्यू पिक करोगे तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स के थ्रू पिक करोगे। नहीं यहाँ पे आपने राइट पर स्पेशली इंडेक्स दे दिए ना ए बी, अगर आप ना देते तो 0, 1 होते कहाँ पर, अगर आप इंडेक्स को स्पेसिफाई ना करते तो फिर क्या होता, फिर अगेन ये 0, 1 पे करता, अभी तो लेफ्ट वन में भी 0, 1 के अगेंस्ट ए बी ही आ रहा है ना। नहीं तो फिर क्या होता, तो फिर आपको क्या, अगर मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ ऐसे देखें ठीक है, ये हो गया 0, 1। लेकिन सर अभी लेफ्ट वन के अंदर आपने ए बी ही लिखा हुआ ना 0, 1 के अगेंस्ट, अगर फॉर एग्जांपल सी बी होता तो फिर क्या होता, अभी तो 0, 1 लिखे या ए बी लिखे एक ही बात है ठीक है, क्योंकि 0 के अगेंस्ट ए है 1 के अगेंस्ट बी है। मैं आपकी बात नहीं समझा सर, अभी राइट वन का इंडेक्स हो गया ना 0, 1 ठीक है, राइट वन के इंडेक्स थे 0 और 1 जिसके ए और बी हमने स्पेसिफाई नहीं किया था ठीक है ठीक है, क्योंकि इसको मैं शिफ्ट करके 0 और 1 कर दूंगा जी। लेकिन सर अगर लेफ्ट वन में 0 के अगेंस्ट ए है 1 के अगेंस्ट बी है तो अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप स्पेसिफाई इंडेक्स राइट वन का करें या ना करें, अगर लेफ्ट वन में की जगह की में सी और बी फॉर एग्जाम्पल होता या सी और ए होता ए बी की जगह, यहाँ ए और बी की जगह सी और ए होता सी और डी होता, क्योंकि अभी तो 0, 1 और ए और बी अभी तो वही हिसाब है ना लाइक सी और डी, ये अभी क्या किसके अगेंस्ट वो करेगा। देखें आप अब भी तो है ना थोड़ा सा इशू कर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही है, देखें की में जो वैल्यूज है ना इनके करेस्पोंडिंग काम होता है। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे कहता ना कि भाई इंडेक्स इज लाइक क्या है ए और बी, अब आप कह रहे हो कि अगर अब मैं इसको मर्ज करने लगूंगा तो अब भी नोट करो कि यहाँ ए ए और बी ये तीन तो सेम है तो वो उनको लाके दे देगा ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, इंटरनेट कनेक्शन फेल हो गया था, ये आप कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? ये हम मर्जिंग और इंडेक्सेस कर रहे हैं सर, इसको थोड़ा डिफाइन कर दें। डिफाइन कर दें, अच्छा देखें हम जो है ना अभी मर्जिंग कर रहे हैं, आपने मर्जिंग का अगर सुन लिया हो तो आपको आइडिया होगा कि भाई मर्जिंग क्या होती है सर? मर्जिंग का अगर आपने पीछे लेक्चर ले लिया हो तो आपको आइडिया हो गया होगा कि भाई मर्जिंग क्या होती है। बेसिकली हम यहाँ पर मर्जिंग कर रहे हैं इंडेक्स के रिलेटेड। मर्जिंग क्या होती है, दो सिंपल डेटा फ्रेम्स को या दो डेटा फ्रेम्स को आपको मर्ज करना, ज्वाइन करना, मिलाना, उसको मर्जिंग कहते हैं। अब यहाँ पर जो हम मर्जिंग कर रहे हैं, मर्जिंग कर रहे हैं इंडेक्स के रिलेटेड के, लेट से एक आपने दो डेटा फ्रेम्स पिक करे, एक डेटा फ्रेम पे आपके पास की का कॉलम मौजूद है कि हाँ यार इस पर मर्ज करना। अभी तक जो पीछे हम मर्जिंग कर कर आए हैं हमारे पास कोई एक कॉलम सेम होना चाहिए था, तो हम पीछे जो भी काम कर कर आए हैं हमारे पास एक कॉलम सेम था की का, या अगर नाम चेंज था तो भी कोई इशू नहीं था, लेकिन हमारे पास एक कॉलम ऐसा सेम था जिसके अंदर वैल्यूज एक जैसी थी, जैसे सी सी डी डी ए वो वैल्यूज एक जैसी थी तो हम मर्ज कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम हमारे पास सामने आई है, इसके अंदर क्या है, यहाँ पर हमारे पास की का कॉलम तो मौजूद है लेफ्ट वाले में, लेकिन राइट वाले में ऐसा कोई कॉलम मौजूद नहीं है जिसके करेस्पॉन्डिंग हम मर्ज करवा सकें। तो ऐसी सिचुएशन में अब जब हमारे पास कॉलम ही नहीं है तो हम मर्ज कैसे करेंगे भाई, तो ऐसी सिचुएशन में हम देखेंगे कि क्या उनका इंडेक्स सेम है, क्या उसके इंडेक्स में वो वैल्यूज मौजूद हैं जो कि राइट वाले में है। जैसे की में सी डी ए ए बी 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 सी, ये जो है ये वैल्यूज जो इसके कॉलम की थी वही वैल्यूज यहाँ इसके इंडेक्स की हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम इनके इंडेक्स को यूज करते हुए भी मर्ज करवा सकते हैं। सिंपल तरीका है, सकता है कि दोनों डेटा फ्रेम्स के इंडेक्सेस के हिसाब से हम उनको ट्रू करके मर्ज करवा दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी अगली एग्जाम्पल वही होनी है ठीक है। मैंने लेफ्ट ऑन पे बताया भाई की जी सर, अगर हम जैसे बगैर किसी इंडेक्स के डिफॉल्ट पर हम लोग इनको मर्ज करते हैं, हमारे पास एक की का कॉलम इधर है और हमारे पास यहाँ पे इंडेक्सेस हैं जो कि की के कॉलम से मैच कर रही हैं, तो क्या डिफॉल्ट पे ये की के कॉलम को इंडेक्स पे मिला देगा या नहीं? करके देख लो यार, चले कर लेते हैं ठीक है। सही है, यहाँ तक कोई इशू है?
ये सिंपल है, लेफ्ट पे मैंने बोला यार की ये रही, और राइट इंडेक्स पे मैंने बोला राइट का इंडेक्स टू कर लो। अब यहां मैं आया, यहां मैंने देखा कि भाई लेफ्ट पे भी जो है, लेफ्ट ऑन पे मैंने बोला, सॉरी एक ही चीज बार बार लिखती गई है यहां पर, बस इसको हाउ इक्वल टू आउटर कर दिया है। मैं अब ऐसे भी कर सकता हूं, मैं कहता हूं कि यार ये हटा दो, ठीक है। अब यहां पे भी 01 है, यहां पर भी 01 है। अब अगर मैं मर्ज करने लगूंगा ना, तो देखो क्या आउटपुट आता है, इसने एरर दे दिया। क्यों एरर दे दिया? क्योंकि मैंने लेफ्ट वाले पे बोला कि यार की यूज करनी है, राइट वाले पे मैंने बोला राइट का इंडेक्स यूज करो, तो दोनों वैल्यूज अलग अलग है। यहाँ पे सी डी मिल रहा है, यहाँ 01 मिल रहा है, तो दोनों की एक तो टाइप भी अलग है और दोनों वैल्यूज भी अलग अलग है, तो इसने यहाँ पर बोला कि भाई ये एरर है। तो ऐसी सिचुएशंस में मैं यहाँ बोलूंगा यार लेफ्ट का जो इंडेक्स है ना, उसको कर दो आप ट्रू, क्योंकि अब मेरे पास ना लेफ्ट में वैल्यू सेम है, ना राइट में वैल्यू सेम है, ना कोई भी दोनों में कोई ऐसा कॉलम नहीं है जिसको यूज कर सके हम। सर राइट का इंडेक्स और लेफ्ट का इंडेक्स यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा, थोड़ा डिफाइन इसको भी करते हैं। लेफ्ट का इंडेक्स ये देखें, ये डेटा फ्रेम आपके सामने, ये डेटा फ्रेम नजर आ रहा है आपको, इस डेटा फ्रेम में लेफ्ट पे जो ये वैल्यूज बोल्ड हुई हुई है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो बोल्ड वैल्यूज है ये इनका इंडेक्स है। बिल्कुल यहाँ पर भी ये जो बोल्ड हुई हुई है ये इनका इंडेक्स है 0 और 1। तो जब मेरे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दोनों डेटा फ्रेम में कोई ऐसी वैल्यू ना हो जिसको हम मर्ज करवा सकें साथ, तो फिर हम उनके इंडेक्सेस के रिस्पेक्टिवली भी मर्ज करवा सकते हैं। मैंने बोला यार लेफ्ट का इंडेक्स 2 और राइट का इंडेक्स 2 करो और मर्ज कर दो। तो यहाँ पे 0 और 1 स्पेसिफिकली दोनों को ट्रू करने की क्यों जरूरत है? डिफॉल्ट अगर आप इन दोनों को डिलीट कर दें, डिफॉल्ट में ये इंडेक्स पे नहीं करेगा? नहीं करेगा। ओके राइट, ठीक है, ठीक है। अच्छा क्या था भाई, लेफ्ट कंट्रोल जी, नहीं मेरे पास कंट्रोल जी काम नहीं कर। राइट इंडेक्स, हाँ ठीक है। तो इसने सिंपल 0 और 1 पे दोनों में से जो सेम मिला 0 और 1 0 और 1 उठा के इधर इसने लाके मर्ज करवा दिया, ठीक हो गया भाई। यहां तक कोई इश्यू है? इसी को अगर मैं आउटर करता हूं, लेफ्ट इंडेक्स इक्वल टू 2, और ये आप चेक कर सकते हो उसने आउटर वाले भी जाके जितने थे सारे लाके दे दिए, क्योंकि ये आउटर था तो जो अनकॉमन थे वो भी लाके उसने दे दिए, यूनियन कर दिए, ठीक है यूनियन कर दिया। अच्छा अब यहां पर ये जितना भी हमने मर्ज का काम किया है ना, सेम काम हम लोग जो है ज्वाइन भी, हमें एक ही एक डेटा एक कीवर्ड ज्वाइन का भी मिलता है डेटा फ्रेम में, जिसके थ्रू भी हम ये सारा काम कर सकते हैं बड़े सिंपली तरीके से। जैसे सर जो हमने बाय डिफॉल्ट मर्जिंग की थी उसमें सारे ज्वाइंस वैसे ही वर्क करते हैं ना, इनर आउटर लेफ्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर भी सेम काम है। जैसे यहाँ पर अभी अब जितना काम हमने मर्ज के फंक्शन को यूज करते हुए किया, सेम काम हम लोग जो है ज्वाइन को यूज करते हुए भी कर सकते हैं। जैसे कि अब ये लेफ्ट टू का एक मेरे पास बना हुआ है, किसमें मर्ज और ज्वाइन में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक आसानी है कि अब ज्वाइन में जो है ना आप मल्टीपल मल्टीपल डेटाबेसिस भी एक साथ पास कर सकते हो, मल्टीपल डेटा फ्रेम्स भी एक साथ पास कर सकते हो, बस ये एक आसानी कर दी उन्होंने, ठीक है। जैसे अब यहाँ एक लेफ्ट टू बनाया है या एक राइट टू मैंने बनाया हुआ डेटा फ्रेम्स, मैंने बोला लेफ्ट टू के साथ ज्वाइन करो किसको, राइट टू को, लेफ्ट टू के साथ ज्वाइन करो किसको, राइट टू को। अब यहां पर क्योंकि बाय डिफॉल्ट में उसको कोई भी वैल्यू, यहां आप नोट कर सकते हो यहां दोनों के कॉलम्स अलग अलग हैं तो वो मर्ज कैसे करेगा, यहां तो उसको कुछ मिला ही नहीं है सेम करने के लिए, तो यहां पर बाय डिफॉल्ट वो आपके इंडेक्सेस के करेस्पॉन्डिंगली मर्ज करेगा। अच्छा, तो ये मर्ज में क्या सिर्फ दो डेटा सेट्स की लिमिटेशन है कि आप दो डेटा सेट्स मर्ज कर सकते हो, जॉइन में मल्टीपल सिर्फ दो कर सकते हो, और मर्ज में आप मल्टीपल कर सकते हो, और मर्ज में आप उनके इंडेक्सेस के रिलेटेड करते हो कि ये इसका ए सी ई, ये बी सी डी, ठीक है। मल्टीपल डेटा फ्रेम पास कर सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट टू में ये इंडेक्सेस थे, राइट टू में ये इंडेक्सेस थे, जब मैंने ज्वाइन करा तो उसने बोला हाँ भाई ठीक है इनके इंडेक्सेस को एक साथ बनाओ
और जहां पर भी कॉमन अनकॉमन जो कुछ भी है सब ला दो, क्यों? क्योंकि ये इनर ज्वाइन है, आउटर ज्वाइन है। अगर इसी को इनर ज्वाइन करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ सी और ई सेम था, यहाँ पर भी सी और ई सेम था, इसने बोला के दे दिया, दैट्स इट। तो जॉइन मतलब इंडेक्सेस बाय डिफॉल्ट वो इंडेक्सेस काउंट करता है, इंडेक्सेस को पिक करता है, और मर्ज में वो इंडेक्सेस को नहीं करता, वो फिर कीज को देखता है, कीज को देखता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये दो डिफरेंसेस हैं कि भाई मर्ज में बाय डिफॉल्ट वो कीज को पिक करता है, आपको उधर कीज डिफाइन करनी पड़ती हैं कि भाई इन इनके ऊपर आपको ज्वाइन लगाना है। लेकिन जब यही काम आप नॉर्मल ज्वाइन पे जाओ तो वहां पर वो बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ डिफाइन नहीं कर रहे तो वो फिर क्या करेगा, इंडेक्सेस को लेके ज्वाइन करके दे देगा। ठीक है, तो डू वी हैव एनी ऑप्शन इन जॉइन के हम उधर कीज को डिफाइन कर सकें? अगर हमने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में अगर हम जाके देख लेते हैं ना यार, डेफिनेशन में पता चल जाएगा। यहां आप देख सकते हो ऑन नन, यहां बाय डिफॉल्ट ऑन क्या हुआ है, नन हुआ है। तो जब बाय डिफॉल्ट ऑन नन हुआ है तो आप जो है इंडेक्स पे वो काम कर रहा है, लेकिन आप यहां पर ऑन डिफाइन कर सकते हो कि ऑन किस पर, तो वो काम कर लेगा, कोई इशू की बात नहीं। करेक्ट, ठीक हो गया भाई, आगे बढ़े। मर्ज बाय डिफॉल्ट कीज पे वर्क करता है, मर्ज बाय डिफॉल्ट कीज पर वर्क करता है। कॉलम आपको उसके अंदर एक डिफाइन करना पड़ता है कि यार ये कॉलम है और दोनों टेबल्स में और इसके रिलेटेड आपने ज्वाइन करना है। ठीक है, मतलब आपको उसके अंदर कॉलम का नाम स्पेसिफिकली डिफाइन करना पड़ता है। जैसे यहां पर आप देख सकते हो लेफ्ट इंडेक्स में मैंने बोला ट्रू, राइट इंडेक्स में ट्रू, जब दोनों में कोई कॉलम सेम नहीं था। बिल्कुल इसी तरीके से जब मैं ऊपर आया मैंने बोला कि यार यूजर आईडी और यूजर नेम, मैंने इधर कीज डिफाइन करी कि इनके करेस्पॉन्डिंगली मर्ज करके लगे दो। लेकिन जब आप यहां नोट करो तो मैंने यहाँ कुछ डिफाइन नहीं करा, यहाँ मैंने बोला राइट टू लेफ्ट टू के साथ राइट टू और हाउ इक्वल टू आउट इनर या आउटर या लेफ्ट या राइट, तो उसने सिंपली इंडेक्सेस को पिक करके मर्ज करके दे दिया। ठीक है, हाँ या नहीं कह दो यार, लाइब्रेरी में डायरेक्टली आप मर्ज लगा के जो है काम कर सकते हो, लेकिन जब यहाँ पर आप आते हो तो डेटा फ्रेम आपको ज्वाइन देता है कि भाई ज्वाइन करना है आपको डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम का फंक्शन है ज्वाइन। ठीक है जी सर। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि यार कोई और भी डेटा फ्रेम है मेरे पास अनदर, जिसके अंदर ए सी ई एफ उसके इंडेक्सेस हैं और एक और डेटा फ्रेम हमें मिल गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार लेफ्ट टू के साथ जो है ना राइट टू और अनदर दोनों को एक साथ ज्वाइन कर दूं, मैं दो तीन डेटा फ्रेम्स को एक साथ ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट टू के साथ राइट टू और अनदर दोनों को साथ ज्वाइन कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूंगा भाई, मैं सिंपली यहाँ लिखूंगा लेफ्ट टू डॉट ज्वाइन और एक लिस्ट बना के पास कर दूंगा राइट टू कॉमा एनदर और ये हो गया ज्वाइन। ठीक हो गया, कोई इशू? बेहतरीन, ठीक है सर। रिजल्ट कैच कर सकते हैं किसी डेटा फ्रेम में, फॉर एग्जांपल लेफ्ट की इज इक्वल टू करके कर लें तो वो उसमें आ जाएगा उसका इंटरमीडिएट रिजल्ट। ठीक है, ठीक है। अच्छा भाई, अब अक्सर औकात ऐसे भी होता है कि जब आप कंबाइन कर रहे होते हो ना मल्टीपल डेटा फ्रेम्स को, तो अक्सर औकात ऐसे होता है कि कुछ इंडेक्सेस पर नल वैल्यूज भी मिल रही होती हैं, मतलब चीज पे तो नहीं लेकिन उनकी वैल्यूज कभी कभार नल मिल रही होती हैं। तो आप चाहते हो कि यार अब नल ना मिले और पहले वाले डेटा फ्रेम में अगर कोई वैल्यू मौजूद है और दूसरे वाले में नहीं है तो पहले वाले में से दूसरे वाले की वैल्यूज को सेम करवा दो, मतलब ओवरराइट करवा दो। मेरी बात समझ नहीं आई, करके देखते नहीं आई, अब करके देखते हैं। ठीक है, देखो एक डाटा फ्रेम बनाया हुआ है मैंने जिसके अंदर इंडेक्सेस पर ही हम ज्वाइन करेंगे, लेकिन अब यहाँ ए बी और सी में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मुझे नल मिली हुई है। सेम कहानी यहां पर भी हुई है, ए और बी पर मुझे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज क्या मिली हुई है भाई, नल मिली हुई है। मैं ये चाहता हूं कि जब यहां ज्वाइन हो ना तो ए में जो नल वैल्यूज हैं वो ओवरराइड हो जाएं, बी के नल बी के अंदर अगर वैल्यूज मौजूद हैं तो उनसे। नहीं आई बात समझ? मैं चाहता हूं कि भाई फर्स्ट इंडेक्स पर जो वैल्यू नल है अगर दूसरे डाटा फ्रेम में ये वैल्यू मौजूद है इसी इंडेक्स पर तो आप ओवरराइड कर दो इसको 4.0 से, यहां मौजूद है।
ये ओवरराइड कर दे, मैं ऐसी कोई सिचुएशन चाह रहा हूँ। दोनों पे ही नल होगा तो फिर नल ही रहने देगा, फिर वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे अब यहाँ आप देख सकते हो डीएफ वन के साथ कंबाइन फर्स्ट डीएफ टू, ये फंक्शन है। जब मैंने यहाँ पे पास्ट करा, मैंने बोला भाई इन दोनों को कंबाइन करो, कंबाइन करते के साथ ही मैंने क्या बोला ए वन में, क्योंकि मैं लेफ्ट डीएफ वन के साथ डीएफ टू को कर रहा हूं, तो डीएफ वन में अगर कोई वैल्यू मौजूद है तो ये उसको नहीं छेड़ेगा और जैसा है वैसा ही जाने देगा। ठीक है, ए जीरो इंडेक्स पर, जीरो इंडेक्स पर अगर आप नोट करो तो यहां पर ए के लिए, जीरो इंडेक्स के ए के लिए हम देख रहे हैं अभी, जीरो इंडेक्स के ए के लिए यहां पर 1.0 है, यहां पर 5.0 है, क्योंकि मैंने डीएफ वन के साथ डीएफ टू को करा, डीएफ टू के साथ डीएफ वन को नहीं करा, डीएफ वन के साथ डीएफ टू को करा, यानी पहले ये वाला है बाद में ये वाला है, तो जो है वो इसके अंदर जो वैल्यू मौजूद है उसी को रहने देगा, आगे बढ़ जाए। ठीक है जी, आपकी आवाज कट रही है सर, इंटरनेट कनेक्शन इश्यू हो गया था, इसको डिफाइन करते हैं दोबारा, ये समझ नहीं आई मुझे। अच्छा अच्छा, देखें यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं ना, यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, अक्सर औकात जब आप मर्ज करने लगते हो तो अक्सर औकात वैल्यूज नल भी मिल रही होती हैं, तो अब अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि यार नल वैल्यूज को कैसे टैकल करूं, मैं चाहता हूँ कि यार कंबाइन करते हुए जहां नल वैल्यूज आ रही है ना वो ऑटोमेटिकली ओवरराइड हो जाए अगर किसी दूसरे डेटा फ्रेम में भी वो वैल्यूज मौजूद है। मेरी बात समझ नहीं आई, जब तक इसको प्रैक्टिकल नहीं होगा समझ नहीं आएगा। देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं डीएफ, इसके लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं कंबाइन फर्स्ट का, डीएफ वन के साथ मैं कंबाइन कर रहा हूं डीएफ टू को, तो डीएफ वन में मेरे पास जीरो के जीरोथ इंडेक्स के ए कॉलम पर 1.0 मौजूद है, जीरो और डीएफ टू में जीरोथ इंडेक्स के ए कॉलम पर 5.0 मौजूद है। ठीक है, अब जब मैं इन दोनों को कंबाइन करने लगूंगा 1.0 और 5.0 को, तो क्योंकि डीएफ वन के साथ डीएफ टू को कंबाइन कर रहा हूं तो वो एज इट इज जाने देगा, 1.2 लगा दिया उसने। फिर जीरोथ इंडेक्स के बी पर मैं आया, या अभी बी को नहीं, फर्स्ट इंडेक्स के ए को देखो ताकि समझ आए, फर्स्ट इंडेक्स के ए पर मैं आया, फर्स्ट इंडेक्स के ए पे क्या मौजूद है भाई, नल मौजूद है। जब मैं डीएफ टू पर आया तो फर्स्ट इंडेक्स के ए पर क्या मौजूद है भाई, 4.0 मौजूद है। तो अब वो क्या करेगा कंबाइन फर्स्ट, वो देखेगा कि यार यहां नल था, यहां वैल्यू मौजूद है, तो इसको कर दो ओवरराइड। फर्स्ट इंडेक्स पर क्या उसने आउटपुट दिया, 4.0। यही कहानी जब सेकंड पर आया, इसने बोला यहां 5.0 है, यहां पर नल है, तो उसने क्या बोला, यार यहां वैल्यू मौजूद थी इसमें नहीं है, तो क्या हुआ मेरे पास इस डेटा फ्रेम में है तो यहां लगा दो। फिर थर्ड पे आया, उसने बोला यहां नल वैल्यू है, यहां पर नल वैल्यू नहीं है, तो भाई उठा के यहाँ ही लगा। फोर्थ इसके अंदर था ही नहीं, इसके अंदर था, इसने बोला हाँ यहाँ वैल्यू मौजूद है, उठा के लगा। ठीक है, फिर यही कहानी जब हम आए बी के लिए, अब बी के लिए यहां भी नल है, यहां भी नल है, अब क्योंकि दोनों इंडेक्सेस पर उसको नल मिला है तो उसने बी पर नल ही रहने दिया और आगे बढ़ गया। ठीक है, कंबाइन का फंक्शन नल वैल्यूज के लिए यूज करते हैं। एग्जैक्टली, जब कभी कभार हमें नल वैल्यूज को टैकल करना हो, हम चाहते हैं कि नहीं यार नल वैल्यूज ऑटोमेटिकली ओवरराइड हो जाए, तो इसलिए हम लोग ये काम यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े जी सर। ठीक है, अच्छा भाई, अब यहाँ पर आप लोगों का टॉपिक सारे खत्म हुए, अब एक बेसिक एग्जाम्पल मैंने रखी हुई अपने पास, वो हम ये करेंगे कि हम जो है ना एक एपीआई से डाटा फेच करवाएंगे, उसका डाटा फ्रेम बनाएंगे, फिर एक डेटाबेस बनाएंगे, उसके अंदर एक टेबल होगा, उसके अंदर एक डाटा फ्रेम बनाएंगे, उसके अंदर एक डेटा का टेबल बनाएंगे, फिर उसको डाटा फ्रेम बना के और उन दोनों को मर्ज करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये अगर आप सब जानते हो कि ये क्या काम किया हुआ मैंने यहाँ, मैंने रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा है, उसके बाद इस यूआरएल को हिट करा है, अब ये यूआरएल पे क्या डाटा मिलेगा इसको देख लो, ये डाटा मिलेगा मुझे इस यूआरएल पे, देख रहे हो आप, ये क्या है, ये एक एपीआई थी, जेसन प्लेसहोल्डर से मैंने एपीआई उठाई थी, यहां पर हमें ये एक इससे जितना भी डाटा आएगा वो सारा का सारा इस यूआरएल है, और मैंने इधर
रिक्वेस्ट डॉट गेट करा तो उस यूआरएल से जितना डाटा आएगा वो सारा का सारा रिस्पॉन्स में जाके क्या हो जाएगा भाई, सेव स्टोर हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये सारा का सारा उतना ही वही काम है जो आपने मेरी वेब स्क्रैपिंग की वीडियो में देखा हुआ है, कुछ नया नहीं करा अब तक मैंने। बस वहां पर मुझे यूआरएल पर हिट करते हुए पूरा एक एचटीएमएल का डाटा मिलता था क्योंकि वो एक वेब पेज था, क्योंकि ये एक एपीआई है तो यहाँ पर वेब पेज नहीं मिलेगा और यहाँ पर जितना डाटा एपीआई में मौजूद है वो मिलेगा। एपीआईज यूज इसीलिए होती हैं कि अक्सर औकात हमें डेटाबेस के थ्रू या कभी कम्युनिकेशन करना होता है तो हम पूरा का पूरा सर्वर से पूरी की पूरी एचटीएमएल नहीं भेजना चाहते, हम सर्वर से सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर डाटा भेजना चाहते हैं, तो इसीलिए फिर हम लोग एपीआईज को यूज करते हैं। ठीक है सर, इसे हम बाद में एक्सेल और वर्ड की फाइल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सब करेंगे, अभी यही करेंगे, सब करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, ये रिस्पांस मिला है, रिस्पांस 200 का मतलब यह है कि रिस्पांस सक्सेसफुली मिला है हमें, रिस्पांस में कोई एरर नहीं आया, कहीं कोई इशू नहीं था। आपका जो जिस यूआरएल पर आपने हिट करा है वो यूआरएल भी सर्वर पर मौजूद थी, उस यूआरएल पर रिस्पांस भी सक्सेसफुली मिल गया है। अक्सर औकात आपको 400, 404, 500 के एरर्स मिलते हैं। 404 का मतलब ये होता है कि भाई जिस यूआरएल को आप हिट कर रहे हो वो सर्वर पर मौजूद नहीं है, तो आप गलत यूआरएल पर हिट कर रहे हो। 500 है तो 500 का मतलब ये कि जिस यूआरएल पर आप हिट कर रहे हो वो जिस सर्वर पर पड़ा हुआ है वो सर्वर इस वक्त बंद हुआ हुआ है, सर्वर का एरर है, तो इसलिए 500 का एरर मिलता है सबको। ठीक है, तो ये कुछ लोगों ने सर यहाँ पे क्वेश्चन है, रिस्ट्रिक्शन भी लगाई थी कि ये अपडेट एग्जैक्टली कभी कभार ऑथोराइजेशन के एरर्स आ रहे होते हैं तो उसके लिए फिर आपको हेडर्स पास करने होते हैं। खैर वो अभी थोड़ी एडवांस बात है, उसको भी हम नहीं देखेंगे, अभी हम बेसिक पे काम कर रहे हैं। हमें यहाँ पर रिस्पांस मिला है सक्सेसफुली 200 पर, तो अब क्या होगा अगर मैं इसको ऐसे देखूं, यहां पर डेटा को क्या करूंगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, तो मेरा जो डेटा है वो मुझे जेसन की फॉर्म में कन्वर्ट होके मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो जैसा डाटा वहां मिल रहा था बिल्कुल वैसा ही मुझे यहाँ पर भी मिला है, सही है? ठीक है, मैं चाहता हूं कि इस डाटा फ्रेम, इस डाटा को डाटा फ्रेम बना के चेक करते हैं। अब ज्यादा बेहतर विजिबल होगा आपको, ये सारे का सारा ये डाटा जो कि अब इस तरीके से हमने फॉर्म कर दिया। ठीक है, किसी को कोई इशू है यहाँ तक? आसान है ये, सिंपल। वो मेरे फॉल्स क्यों है? यस सर, यार ये तो अब जो डाटा आ रहा है वो है ना कि ये बेसिकली एक टू डू लिस्ट है, टू डू लिस्ट में अब यूजर की आईडी है, उस टास्क की आईडी है, टाइटल है, उसने कंप्लीट किया है या नहीं करा, ये डाटा मिला है हमें। ठीक है, ये डाटा मैंने नहीं बनाया, ये एक एपीआई थी जेसन प्लेस होल्डर जिससे मैंने पिक करा है। आप लोगों को कभी कोई टेस्टिंग करनी हो एपीआई के रिलेटेड तो आप वहां से पिक कर सकते हो, बहुत सारी एपीआई वहां मौजूद है टेस्टिंग के लिए। ठीक है, अच्छा अब मैं चाह रहा हूं कि भाई सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर से शुरू की 3 रॉस को पिक कर रहा हूं मैं, कितनी, सिर्फ 3 रॉस को पिक करके मैंने एक डाटा फ्रेम नया बना लिया न्यू डाटा के नाम से, पीडी डॉट डाटा फ्रेम, डाटा ऑफ स्लाइसिंग करके 3 पिक करी न्यू डाटा, आप देख सकते हो ये रहा। ठीक है, यहां तक कोई इश्यू है? नो, आसान है ये। नो, अब बात करेंगे हम इस डेटाबेस पर, डेटाबेस क्या होता है, जिस तरीके से हम लोग एक्सेल में डेटा को सेव करते हैं, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से एक्सेल आज से पहले जमानों में यूज होता था, अब भी एक्सेल यूज होता है, लेकिन उससे पहले मैं अगर आपको 90s और 2000 की बात बताऊं तो जब एक सॉफ्टवेयर बनते थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अच्छा खैर उसके अंदर जो है ना टेक्स्ट की फाइल्स में भी डाटा सेव हो रहा होता था या किसी और फाइल्स में भी डाटा सेव हो रहा होता था, वो अब तक चल रहे हैं वो सॉफ्टवेयर जिनमें वो जो है ना, अगर वो आपकी फाइल्स गई तो सारा का सारा डाटा आपका चला जाता था, अगर कल को आपकी विंडो क्रैश हुई तो सारा का सारा डाटा आपका गया। तो खैर वो अब भी चल रहे हैं और वो सॉफ्टवेयर अब भी यूज हो रहे हैं मार्केट में, अक्सर औकात अगर आप मेडिकल मेडिसिन की किसी दुकान पे जाओ तो आपको वही सॉफ्टवेयर नजर आएगा, अक्सर अगर आप किसी स्पेशली होलसेल मार्केट में, अगर आप मेडिसिन की होलसेल मार्केट में जाओ तो आपको पूरी की पूरी मार्केट वही सॉफ्टवेयर यूज करती हुई नजर आएगी। इवन तो उसकी यहां तक लिमिटेशन है कि वो अगर बिल भी आपको प्रिंट करना है तो वो अब यूएसबी पोर्ट पे प्रिंट नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ एलपीडी पोर्ट पे प्रिंट करता है, और उस एलपीडी पोर्ट के लैपटॉप्स तक आना बंद हो चुके हैं, तो जो है लेकिन उसकी लिमिटेशन है और वो लोग अब तक वो यूज कर रहे हैं, तो जो है इसीलिए पहले जो डाटा सेव होता था वो सारा का सारा फाइल्स में सेव होता था, अब उसकी एक और एक इजी वे ये कर दिया, और वो सारा टेबुलर नहीं होता था,
तो इसीलिए अब जो है ना SQL एक डेटाबेस, डेटाबेस में जब हम डेटा सेव करते हैं तो वो बेसिकली टेबुलर फॉर्म में डेटा होता है और वो फाइल्स की फॉर्म में नहीं होता, वो एक पर्टिकुलर सर्वर पे जाके सेव हो रहा होता है। जैसे MySQL अगर किसी ने यूज किया हुआ हो तो MySQL के अंदर वो सेव हो रहा होता है। अगर किसी ने MySQL नहीं SQLite का सर्वर यूज करा है, किसी ने माइक्रोसॉफ्ट SQL यूज करा है, तो वो वहां पर उसकी फाइल्स में टेबुलर फॉर्म में डाटा सेव हो रहा होता है, जिसका आपके सॉफ्टवेयर की, अगर कल को सॉफ्टवेयर की फाइल्स डिलीट भी हो जाए तो वो SQL का डाटा आपका सेव रह जाता है, जिसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, जिसको आप इम्पोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, इसकी मजीद एक बड़ी डेफिनेशन है। जी सर, ये इसको हम किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली पाइथन के पास टीच करते हैं कि नहीं, डेटाबेस पढ़ाएंगे कि नहीं? यार डेटाबेस बस बेसिक जो आज पढ़ाऊंगा ऑलमोस्ट इतना ही होगा, उससे ज्यादा, क्योंकि हमारा काम डेटाबेस में है नहीं, जो भी हमने जो कोर्स है हमारा वो डेटाबेस से रिलेटेड नहीं है। तो डेटाबेस एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत सारी क्यूरीज है उसमें, आप लोग अगर पढ़ना चाहो तो W3 स्कूल और YouTube से आप पढ़ सकते हो, लेकिन जो है उस वो एक बहुत बड़ी एक अलग फील्ड है पूरी डेटाबेस भी। ठीक है, अच्छा पाइथन के पास SQLite सर्वर, डिफरेंट टाइप के डेटाबेसेस होते हैं, SQL है, MySQL है, SQL सर्वर है, SQLite है, SQLite हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर डेटाबेस। मैंने इसे अच्छा एक ये सवाल है कि ओरेकल है, SQL सर्वर है, ये सारी लाइब्रेरीज मौजूद हैं पाइथन के अंदर, मतलब लाइक अगर वो डेटाबेसेस यूज करने हैं तो? हाँ हाँ बिल्कुल है, MySQL की भी लाइब्रेरी मौजूद है और SQL सर्वर की भी होगी कोई ना कोई, मैंने SQL सर्वर पर काम नहीं करा, MySQL पर देखा हुआ, तो MySQL की लाइब्रेरी मौजूद है, आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, आपने जेसन मांगी, ये थोड़ी सी सिंपल है, बहुत दफा ना जेसन के अंदर मजीद जेसन टैग होते हैं, तो क्या ये लाइब्रेरी उसको एज इट इज टेबुलर कर देता है, या जो इंटरनल टैग होते हैं उनको हमें मैनुअली करना पड़ेगा कन्वर्ट? इंटरनल को आपको जो है ना पहले पिक करवा के मैनुअली करना पड़ता है, क्योंकि वरना जो है डाटा फ्रेम कभी कभार एरर भी दे देता है, क्योंकि उसको शेप सेम नहीं मिलता, तो इस वजह से वो एरर दे देता है। तो उसको आपको पहले टैकल खुद करना पड़ेगा। अच्छा, वो जेसन के अंदर एक्चुअली मैंने देखा हुआ, मेरे पास था वो जेसन के अंदर जेसन, तो उसके लिए कोई बताते यार उसके अंदर आप क्या करेंगे, आपने के पास जो डाटा है ना, आप उसके अंदर से पहले उस पर्टिकुलर कॉलम को पिक कर लें और उस कॉलम का अलग डाटा फ्रेम बना के उसको साइड पर रख लें और उस कॉलम की जगह कुछ और वैल्यू डाल दें। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्लीन हो गया, अब वो एक सिंगल बन गया, टू डायमेंशनल की बजाय वो थ्री डायमेंशनल की बजाय वो टू डायमेंशनल में शिफ्ट हो गया, क्योंकि आपने उसका जो कॉलम था, उसका जो डाटा फ्रेम था, वो अलग रख के साइड पर कर दिया। फिर आप इस सादे वाले का पूरा डाटा फ्रेम बनाए और फिर उसके साथ जैसे चाहे मर्ज करें इस तरीके से। लास्ट टाइम हमने वो किया था ना, जिसमें वो माइक्रोसॉफ्ट APL बुक की एग्जांपल की थी, उसके अंदर भी मल्ट जो जैसन था जो हमने API से उठाया था डेटा रीडर के थ्रू, उसके अंदर भी जो है ना मल्टीपल कीस आ रही थी, जिस तरीके अंदर डिक्शनरी आ रही थी लाइक जैसन फॉर्मेट में एक से ज्यादा थी। तो आपको याद होगा हमने उसमें, आप देख भी लीजिएगा दोबारा वीडियो जाके, नोटबुक भी जाके, उसके अंदर हमने यही काम किया था, पहले एक की को की के थ्रू हमने डेटा उठाया, उसका एक फ्रेम बना लिया, फिर हमने दूसरी की के थ्रू उठाया जो नेस्टेड हुई थी अंदर। सर हमने एक सर्वर का लिया यहाँ पे डाटा, अगर हम काफी ज्यादा सर्वर्स का लेना चाह रहे तो वो इकट्ठी कलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे ऊपर किए यार, आप जैसे ज्वाइन लगाते हो ना, ज्वाइन लगा के आप कर सकते हो इकट्ठे। ठीक है सर, अभी यही तो कर रहे हैं हम, हमने एक डेटा फ्रेम वहाँ से बना लिया, एक डेटा फ्रेम यहाँ डेटा बेस से उठा रहे हैं, एक आप कहीं और से उठा लें और उनको मर्ज करें, यही तो करना है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर मैंने SQLite का सर्वर यूज किया हुआ है, इम्पोर्ट SQLite 3 सिंपली लाइब्रेरी इम्पोर्ट करी हमने। अच्छा फिर हमने एक क्यूरी चलाई, हमेशा जब आप SQLite पर काम करेंगे ना, कोई भी SQL सर्वर पर काम करें, तो जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू उसको करने लगेंगे तो आपको जो है ना तीन चार चीजें करनी होंगी। सबसे पहले तो आपको जो है ना एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है, डेटाबेस के उस पर्टिकुलर टेबल, उस पर्टिकुलर डेटाबेस के साथ आपको टेबल कनेक्शन बनाना पड़ेगा। कनेक्शन बनाने के बाद आप फिर कोई क्यूरी एग्जीक्यूट करोगे, उस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के बाद आपको जो है कमिट करना पड़ेगा उसे, ठीक है, तब जाकर जो है ना आपका ये पूरा का पूरा काम कंप्लीट होगा, और फिर उस कनेक्शन को क्लोज भी करना होता है बाद में। ठीक है, अब जैसे यहां पर मैंने क्यूरी लिखी हुई है, क्रिएट टेबल टेस्ट,
आईडी इंटीजर यूजर नेम वार का प्री ही यहाँ पे क्यों है न्यूमेरिक मैं समझा नहीं आपकी बात आपकी आवाज कट गई सॉरी सर ये जो इम्पोर्ट SQLite 3 है ठीक है यहाँ पे 3 न्यूमेरिक क्यों है SQLite के साथ ये 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसको यार 3 किसी को ये बेसिकली लाइब्रेरी का नाम है जैसे जुपिटर नोट इसका वर्जन है पांडास जो है ना वर्जन का मुझे आइडिया नहीं लेकिन ये इसकी लाइब्रेरी का नाम है SQLite 3 इसी तरीके से MySQL का MySQL नाम होगा लाइब्रेरी का नाम है सिंपल अब 3 क्यों है अब इसमें क्या ठीक है इम्पोर्ट होती है हाँ ये इसी तरीके से इम्पोर्ट की जाती है ये इसका नाम है सिंपल अच्छा सर ये क्वेरी इज इक्वल टू ये भी थोड़ा बता दे हाँ यही बता रहा हूँ मैं यहाँ पर हमने क्यूरी लिखी हुई है यहाँ आप क्यूरी देख सकते हो इस क्यूरी को मैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिख के ट्राई कर लेते हैं मेरे ख्याल से तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में भी चल जाएगी ये क्यूरी कोई इशू नहीं आएगा ठीक है क्यूरी लिखी है मैंने क्रिएट टेबल टेस्ट इंटीजर अच्छा क्रिएट टेबल मतलब मैं टेबल बनाने लगा हूँ अब टेस्ट के नाम का टेबल बनाओ जिसके अंदर वैल्यूज क्या क्या होंगी एक कॉलम होगा आईडी के नाम का जिसका डेटा टाइप होगा इंटीजर फिर दूसरा कॉलम होगा यूजर नेम के नाम का और जिसका डेटा टाइप होगा वारकार वारकार मतलब स्ट्रिंग ठीक है और जिसके अंदर सिर्फ 20 कैरेक्टर्स अलाउड होंगे उससे ज्यादा अलाउड नहीं होंगे क्योंकि ये यूजर नेम है तो मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स बहुत है इसलिए मैंने इधर 20 लिखा हुआ है आप इसको ज्यादा भी कर सकते हो नो इश्यूज एट ऑल ठीक है ये क्यूरी बनाई हमने देन उस क्यूरी को चलाने के लिए जो है ना हमें पहले ये तो क्यूरी तो बन गई है सिंपली कुछ एरर नहीं आया अब इस क्यूरी को चलाने के लिए हमें डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा तो क्या करेंगे हम सिंपली sqlite.connect mydata.sqlite अब ये mydata.sqlite क्या है भाई यहां पर हम जो है ना डेटाबेस का नाम देते हैं अब माय डेटा के नाम का अब तक मैंने कोई डेटाबेस नहीं बनाया हुआ अब क्योंकि मैंने कोई डेटाबेस नहीं बनाया हुआ तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही बना देगा माय डेटा डॉट एसक्यूलाइट के नाम का डेटाबेस ठीक है कौन इक्वल टू एसक्यूलाइट 3.connect माय डेटा डॉट एसक्यूलाइट तो इसने एक माय डेटा के नाम का डेटाबेस बनाया जिसके बाद अगर पहले से बना हुआ होगा तो इसी से डायरेक्ट कनेक्ट कर देगा अगर नहीं बना हुआ तो बना देगा पहले से बना हुआ है तो उसे डायरेक्ट कनेक्ट कर देगा ठीक है कनेक्ट करने के बाद मैं बोलूंगा कि यार अब जो क्यूरी है ना उसको एग्जीक्यूट करना है क्यूरी ये थी मेरी ठीक है उस क्यूरी को क्या करना है भाई एग्जीक्यूट करना है कौन डॉट एग्जीक्यूट कनेक्शन बनाने के बाद कौन डॉट एग्जीक्यूट और अंदर मैंने क्यूरी पास करी टेबल टेस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट ओके क्योंकि माय डेटा मैंने ऑलरेडी जब नोटबुक बना रहा था तो मैंने ऑलरेडी माय डेटा के नाम का डेटाबेस बनाया हुआ होगा इस वजह से वो कह रहा है कि यार ऑलरेडी इस डेटाबेस में टेस्ट के नाम का टेबल मौजूद है तो मैं यहाँ माय डेटा वन कर देता हूं उसे जी कोई कुछ कह रहा है माय डेटा वन अब ये नया डेटाबेस बन गया ठीक है क्योंकि माय डेटा का जो मैंने डेटाबेस पहले बनाया था जब नोटबुक बना रहा था तो वो ऑलरेडी बन चुका था और उसके अंदर टेस्ट के नाम का एक वेरिएबल भी सेव हुआ तो सर ओवरराइड नहीं करता नहीं ये डेटाबेस को ओवरराइड नहीं करता जब तक मैं उस डेटाबेस को खुद ड्रॉप ना करूं तब तक ये डेटाबेस को ओवरराइड नहीं करेगा या जब तक मैं उस टेबल को ड्रॉप ना करूं तब तक वो ओवरराइड नहीं करेगा वो एरर ही थ्रो करेगा कि भाई टेस्ट के नाम का टेबल ऑलरेडी मौजूद है सॉरी आवाज नहीं आई सर ये टेबल हमारी लोकली हमारी मशीन पे बनेगा या ये कहां बैकएंड पे बनेगा ये लोकली आपके मशीन में सेव हो रहा है क्योंकि पाइथन के अंदर जो है ना बिल्ट इन डेटाबेस सर्वर जो है वो मौजूद है उस तरह SQLite भी मौजूद था तो हमने SQLite को इम्पोर्ट कर लिया जैसे पांडास है नंपाई हम पढ़ रहे हैं ये भी इम्पोर्ट करते हैं ना तो ये हमारे बिल्ट इन आया हुआ है ठीक है यहाँ हमने सिर्फ उसको इम्पोर्ट करने के बाद सिर्फ इतना बोला है कि भाई ये टेबल क्रिएट कर दो टेस्ट के नाम का जिसमें ये दो कॉलम है उनकी डेटा टाइप ये है अच्छा ये ऐसे क्यों लिखा है क्योंकि SQLite जो है वो इसी तरह लिखने को समझता है उसका सिंटैक्स ही ये होता है ठीक है केस सेंसिटिव है जो उन्होंने क्रिएट टेबल की क्वेरी लिखी है केस सेंसिटिव नहीं होती ना उमर केस सेंसिटिव तो नहीं होती सर मेरा ख्याल है केस सेंसिटिव नहीं होती नहीं लिख के देख सेंसिटिव नहीं होती सर ये क्वेरी हम उससे बनाएंगे
जी बेटा, आप अपने टेबल का नाम बताएंगे, जितने कॉलम बनाने हैं वो उसमें डालेंगे। क्वेरी तो नहीं है इतनी आसान, सिंपल सी क्वेरी है ये, तो अभी क्रिएट की क्वेरी बनाई है ना, अभी डेटा फेच की क्वेरी तो हमने बनाई नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स होती है। तो हमने सिर्फ टेबल क्रिएट किया है कि इतने कॉलम होंगे हमारे टेबल में, और उस टेबल का नाम ये होगा, उसकी डेटा भी होगी हर कॉलम की। अभी हमने इसको जो है अभी इसमें से जब डेटा, जी SQLite इसके लिए इंस्टॉल भी करना पड़ेगा? नहीं भाई, अभी कहाँ कहीं इंस्टॉल किया हमने, ऑलरेडी आया हुआ है, बिल्टन होता है, बिल्टन आया हुआ है ना, यही तो मैं बात कह रहा हूँ कि ये कोंडा के अंदर पाइथन के साथ जो है वो बिल्टन आया हुआ है। सर जी हाँ, कहाँ पे इंस्टॉल, मतलब ये आपकी आवाज ड्रॉप हुई है, ये तो यहाँ हुआ है माई डाटा जी, डेटा वन है, ये कहाँ पे क्या है और ये कहाँ पे ये सेव रहा सारा डेटा, ये जो टेबल हमारे आप अभी कह रहे हैं डेटा मेरे क्रिएट हुआ है, ये कहाँ पर गया होगा, ये टेबल जो है ये कहाँ पर गया होगा, ठीक है। अभी इसको आगे चलाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। क्यूरी एग्जीक्यूट करने के बाद उसको कमिट करना जरूरी है, तो इसलिए हमने उसको सिंपली कमिट कर दिया। अभी हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट हो चुकी है, हमारा टेबल क्रिएट हो चुका होगा, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि उस टेबल के अंदर मैं वैल्यूज इंसर्ट करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो कौन कौन सी वैल्यूज इंसर्ट करनी है, मैंने बोला कि यार डेटा के अंदर एक एरे बना, एक लिस्ट बनाई, लिस्ट के अंदर मैंने बोला कि यार एक टपल ये रहा, दूसरा टपल ये रहा, तीसरा टपल ये रहा, तीन टपल्स हैं, ये तीनों मुझे इस टेस्ट के अंदर पास करने है। तो अगर आप नोट करो तो पहली दो वैल्यूज है इनके अंदर, इंटीजर है और दूसरी वारकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने बोला ही था टेबल के अंदर कि सिर्फ दो वैल्यूज जा सकती हैं, दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो हमने बोला इंटीजर और वारकार। तो भाई इंटीजर और नाम, आईडी और नाम, आईडी और नाम, आईडी और नाम का हमने टेबल पर डेटा बना दिया। तो ये डेटा हमें जो है इसके अंदर क्या करना है भाई, इंसर्ट करवाना है। तो सिंपल सी क्यू कमांड क्यूरी है उसके लिए भी, इंसर्ट इंटू टेस्ट, टेस्ट क्या है, टेबल का नाम है जो यहाँ था, फिर वैल्यूज, वैल्यूज के बाद मैंने बोला कि भाई क्वेश्चन मार्क दे दिया मैंने। क्वेश्चन मार्क क्यों दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता अभी कौन सी वैल्यूज चलानी है इसके अंदर। तो ये एक क्यूरी चल, अगर मैं यहाँ पर हार्ड कोड, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कह दूं जस्ट लाइक ओमर प्लेस होल्डर है कि इसके अंदर वैल्यू आएंगी, आएंगी एग्जैक्टली, ठीक है। ये मैंने क्यूरी बना दी, उसके बाद मैंने बोला भाई कॉन डॉट एग्जीक्यूट मैनी, क्योंकि मुझे बहुत सारी रॉज एक साथ डलवानी है, इसीलिए मैंने बोला एग्जीक्यूट मैनी। अगर मैं सिर्फ एक रॉ डलवा रहा होता तो मैं कहता एग्जीक्यूट वन, ठीक है। तो एग्जीक्यूट मैनी, जिसके अंदर मैंने बोला ये क्यूरी है और इस क्यूरी के अंदर ये डाटा डलवाना है, फिर कॉन डॉट कमिट सिंपली। एग्जीक्यूट वन या सिर्फ एग्जीक्यूट, अगर एक स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट, सिर्फ एग्जीक्यूट, राइट, फॉर अ सिंगल स्टेटमेंट, हाँ सही है, सिर्फ एग्जीक्यूट। और अगर आपके पास बहुत सारे हैं तो एग्जीक्यूट मैनी, ठीक है। चलाओ भाई इसको, चल गई ये क्यूरी भी। अब यहां तक दो काम हमने कर लिए, टेबल क्रिएट करा और उसमें डाटा इंसर्ट करवा दिया। अब उस टेबल में से मुझे सारा का सारा डाटा फेच करवाना है। तो फेच करवाने के लिए क्यूरी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होगा, वो ड्रॉप हो जाएगा या एरर देगा? एरर देगा, एक ऐड कर दो इधर, ठीक है। ठीक है, एरर थ्रो करेगा, नंबर ऐड करना चाहे जितना हमारा काम है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब इसके अंदर से सारा का सारा डाटा क्या करवाना है भाई, फेच करवाना है। तो फेच करवाते हैं, उसके लिए फिर हमें क्यूरी लिखनी है। क्या क्यूरी लिखेंगे अब हम, सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम टेस्ट। स्टैरिक का मतलब सारा डाटा जितना मौजूद है किसमें, टेस्ट के टेबल में सारा लाके दे दो। कॉन डॉट एग्जीक्यूट सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम टेस्ट मतलब क्या, स्टैरिक मतलब सारा का सारा डाटा कहां, टेस्ट के टेबल में जितना डाटा मौजूद है सारा लाके दे दो। फिर कर्सर डॉट फेच ऑल, जिससे वो जितना डाटा है सारा का सारा वो लाके रॉज में दे देगा। अब अच्छा, यहाँ पर आप सिर्फ कर्सर को रन कीजिएगा, एक मिनट, कर्सर को प्रिंट करवाइएगा क्या आता है,
रिपीट क्यों हो रहा है सर? सॉरी मैं बता रहा हूँ रिपीट क्यों हो रहा है। देखो ये कर्सर इसने दिया है कि हाँ भाई ये एसक्यूएलआइट का कोई कर्सर है जिसमें आउटपुट आया हुआ है कुछ। परफेक्ट परफेक्ट। तो उसके लिए फिर डॉट फेच ऑल करूंगा तो फिर मेरे पास जितना डाटा है वो रॉज में सेव करवाएगा और फिर रॉज को हम इस तरह व्यू कर सकते हैं। अब आप में से कोई पूछ रहा था कि सर ये रिपीट क्यों हो रहा है? रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने ये कमांड कितनी दफा चलाई है, अराउंड 3 दफा ये कमांड चली है। तो पहली मर्तबा में उसने ये डाटा डलवाया, सिर्फ इतना लाके छोड़ दिया था। दूसरी मर्तबा जब ये कमांड चली तो आपको याद होगा यहाँ मैंने 5 लिख के ये कमांड चलाई थी। जी, तो इसीलिए उसने सिर्फ जोनाथन और साकिब तक तो उसने डलवाया डेटाबेस में, लेकिन जब तीसरे पे पहुंचा मैं तो उसने बोला कि भाई ये एरर है, इसलिए वहां पर एरर थ्रो करा था और वो वहीं रुक गई थी कमांड। फिर दोबारा मैंने यहाँ से उड़ाया इसे और दोबारा जब चलाया तो फिर पहला दूसरा और तीसरा इस तरीके से उसने। सर ये समझ नहीं, इसका मतलब है ये तो एक्चुअल टेबल में तो 3 होने चाहिए थे ना, ये तो फिर ये गार्बेज वैल्यू की तरह हो गया ये। हाँ तो मैंने डलवाया भी तो इतनी दफा ना, अगर मैं एक दफा रन करता तो सिर्फ एक दफा ही चलता ये। सर ये हर बार रन होने पे एग्जीक्यूट कर रहा है और सारे हर दफा रन होने पर एग्जीक्यूट करता है। सर एक्सक्यूज मी, आपने वैल्यूज को स्टोर करता जाएगा उनको? हाँ ओवरराइड नहीं करेगा भाई, अगर तो प्राइमरी की होती तो वही एरर थ्रो कर देता कि भाई इस की पर ऑलरेडी वैल्यू मौजूद है, और अगर प्राइमरी की नहीं है तो फिर वो डायरेक्ट आगे सेव करवाता जाएगा, उसको कोई इशू नहीं है। ठीक है, सही है भाई। सर मेरा एक क्वेश्चन था, सर ये रिपीट कर दे एक दफा। एक सवाल आया था कि सर अगर मेरे पास RRA कोई SQL MySQL इंस्टॉल हो और वहाँ पे मैंने क्रेडेंशियल दी हुई तो तब कनेक्ट करते हुए मुझे क्रेडेंशियल देनी पड़ेगी तो वैसे ही वो कनेक्ट कर लेगा? नहीं नहीं, कनेक्ट करते वक्त आपको क्रेडेंशियल देनी पड़ेगी। MySQL को कनेक्ट करने का थोड़ा अलग तरीका है, यहाँ पर जैसे मैंने सिर्फ con.connect से काम कर लिया, यहाँ पर MySQL के लिए कुछ और वैल्यू भी पास करनी होती है साथ, तो वो उसके अंदर पैरामीटर खोल के दिखा दो ना उसके। सर ये SQLite है ना, SQLite के अंदर मेरे नहीं ख्याल होगा, MySQL की लाइब्रेरी में होगा वो, MySQL DB में। सर SQLite भी पहले अगर इंस्टॉल हो तो फिर भी उसमें क्रेडेंशियल तो हम दे सकते हैं? ये देख लो इसके पैरामीटर्स, करेक्ट में डेटाबेस का नाम दिया है हमने बस। ठीक है, ठीक हो गए। ठीक है, अच्छा यहाँ तक अब मेरे पास जितना डेटा था सारा मुझे मिल चुका है, मैं उसकी डेटा फ्रेम बनाने लगूंगा। सर अब आप देख सकते हो। जी सर मैं ये पूछ रहा था, लेकिन हमें सिर्फ 3 वैल्यूज ही चाहिए टॉप, मतलब यानी कि जो 1, 2, 3 पे, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे? अब हमसे यानी कि 3 से 4 दफा चल गया प्रोग्राम, लेकिन हमारे जो आउटपुट है हमें या जो हमें डिजायर्ड है वो ये तो नहीं था ना, तो यहाँ से आप आगे ड्रॉप कर सकते हो। फिर आप डेटा फ्रेम में आ गए, ड्रॉप आपने पढ़ा हुआ है, उसको क्लीन करना आपको आता है। जी फिर तो यही तो हमारा काम है असल में, कि जो डेटा हमें मिलेगा उसके साथ हमने उसकी क्लीनिंग करनी है, तो वो सारी जो टूल्स आपने सीखे हैं वो अप्लाई करें उसके ऊपर। अदरवाइज वरना क्रिएट टेबल पे प्राइमरी की भी तो डिफाइन कर सकते हैं ना, सो देन आप प्राइमरी की अगर डिफाइन कर देंगे तो फिर वो आपको इस तरह से चीजें डालने ही नहीं देगा। डुप्लीकेट पीडी डॉट ड्रॉप डुप्लीकेटेड है गालिबन, ड्रॉप डुप्लीकेटेड तो शुरू में जहां उसने फॉल्स किया है और बाकी सारे के सारे, तो यहाँ पर मैं उसको ड्रॉप डुप्लीकेटेड एरर दे रहा है, डुप्लीकेट्स है वो अनदर डेटा के स्क्वायर ब्रैकेट में आप ये करता। ठीक है बस बस ना, डुप्लीकेट्स था। ठीक है तो सिंपली ड्रॉप हो गया वो, इधर इन प्लेस भी ट्रू कर दो भाई। ठीक हो गया, अब अगर आप इधर अनदर डेटा देखोगे तो वो क्लीन होगा मिला है। ठीक है सही हो गया, अब क्या करना है हमें, अब अगर मैं इसको डायरेक्टली मर्ज करने की ट्राई करता हूँ, पीडी डॉट मर्ज, या सिंपली ऐसा करते हैं हम लोग, एनदर डेटा, डेटा मेरे पास है और ऊपर मैंने किस नाम से बनाया हुआ था डेटा, मेरा न्यू डेटा के नाम से बनाया हुआ था, न्यू डेटा में मेरे पास
क्या क्या मौजूद है, 0, 1, 2, 3 मौजूद है। अगर न्यू डेटा में देखूं तो 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2 मौजूद है, और यहां पर मैं आऊं तो 0, 1, 2 मौजूद है। यहां अगर मैं इसको ऐसे करता हूं न्यू अंडरस्कोर डेटा डॉट जॉइन, ठीक है, तो अब आप देख सकते हो उसने क्या करा है, सिंपली 0, 1, 2 के करेस्पॉन्डिंग उसने क्या कर दिया भाई, ज्वाइन करके लाके दे दिया है। यहां पर भी 0, 1, 2 मौजूद था, इस एनदर डेटा में भी। मैं दोनों को एक साथ प्रिंट करवा देता हूं, ये रहा न्यू डेटा और क्या है, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर इंडेक्सेस, क्योंकि मैंने क्या बताया था भाई, ज्वाइन किस पे काम करता है भाई, इंडेक्सेस पे, तो यहां पर उसको इंडेक्सेस मिल गए 0, 1, 2, 0, 1, 2 उसने सिंपली क्या करा, ज्वाइन करके दे दिया मुझे इस तरह, ठीक है। अब मैं इस करने के, इस काम के बाद मैं इसको एक काम करता हूं, रिजल्ट में सेव करवाता हूं, ठीक है। ये रहा मेरे पास जी सर, ये मैं साथ साथ करने की कोशिश कर रहा था, मेरा जब मैंने डेटा फ्रेम में लेके गया हूँ ना कर्सर से डेटा को, कर्सर डॉट फेच ऑल करके, तो वो सर एम्प्टी फ्रेम आ रहा है, एम्प्टी फ्रेम आ रहा है। आपने उसको रॉज में सेव करवा के फिर डेटा भी फ्रेम में कन्वर्ट करा है? नहीं सर, मैं वो डायरेक्ट उसको कर्सर डॉट फेच, उसको रॉज में पहले सेव करवाएं फिर उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करें, ठीक है। ठीक है, ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई इशू? हमने दो डेटा फ्रेम्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। अब मुझे अगर ये चीज पसंद नहीं आ रही कि यार ये 0 और 1, तो मैं इनको सिंपली जो है रीनेम भी कर सकता हूँ, आपने रीनेम की कमांड पड़ी हुई है, जैसे यहां मैंने नीचे किया हुआ भी है रीनेम, एनदर डेटा के अंदर रीनेम कर दो, 0 के अंदर आईडी कर दो और 1 के अंदर नेम कर दो, ठीक है। यहां तक था ये सिंपल काम, यहां तक किसी को कोई इशू है भाई? अब तक सर एक सवाल है जी, ये सर समझ में कुछ यूं आया है कि अगर ज्वाइन की कमांड की हम प्रैक्टिस कर लें अच्छी खासी, तो ये मर्ज को रिप्लेस कर सकती है, क्या ऐसा सही है? एग्जैक्टली आप कर सकते हो सर, आपने कनेक्शन क्लोज कर दिया था जो आपने कहा था कि लास्ट में करना जरूरी है। नहीं मैंने अभी तक नहीं करा, सॉरी अभी कर दो, कॉन डॉट क्लोज लिखोगे आप तो कनेक्शन आपका क्लोज हो जाएगा, ये लो ठीक हो गया, कनेक्शन आपका क्लोज हो गया। अब आप कोई भी क्यूरी चलाओगे वो एरर देगा, क्यों? क्योंकि कनेक्शन क्लोज हुआ है। अगर मैं अभी इसको भी चलाऊंगा ना तो ये यहां पर मुझे एरर देगा क्योंकि आपका कनेक्शन क्लोज हुआ, ठीक है सर। इस टॉपिक को बस रिपीट कर देता थोड़ा सा, बस ऊपर से कौन सा यही जी जो अभी हमने सारा यहाँ पे किया है, ये किस पर्पज के लिए हम लोग करते हैं? अच्छा देखे भाई, आप जब काम शुरू करते हो ना, डेटा एनालिसिस करने लगते हो, डेटा एनालिसिस, तो आपके पास अक्सर औकात ऐसे और मेजॉरिटी ऐसे ही इशू आता है कि भाई थोड़ा डेटा किसी पर्टिकुलर जगह मौजूद है सीएसवी में, थोड़ा डेटा जो है किसी सर्वर पर मौजूद है एपीआई की फॉर्म में, थोड़ा डेटा जो है किसी डेटाबेस में मौजूद है, तो फिर आपको उन सबको साथ एक जगह लाके कंबाइन करना पड़ता है सबसे पहले, फिर उसके बाद आपको आप उसके ऊपर कोई भी एनालिसिस अप्लाई करते हो। तो ये जो ज्वाइनिंग और मर्जिंग है ना, ये बेसिक सबसे पहला काम ही है कि आपने डाटा को एक साथ ज्वाइन करके मर्ज करके सेव करना है, एक एक शिकल में लाना है और फिर उसके बाद उस पर काम करना है, ठीक है सर। ये कनेक्शन डॉट कमिट जी सर, ये जरा बता दें, डिस्कनेक्ट हो गया था तो ये मिस हो गया से। यार जब भी आप कोई क्यूरी एग्जीक्यूट करोगे ना, तो आपको उसको कमिट करना जरूरी है, ठीक है। जब भी आप कोई क्यूरी एग्जीक्यूट करोगे, आपको उसको कमिट करना जरूरी है, वरना वो क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं होगी, सही है। मतलब सर ये कमिट करेगा क्या सर? यार कमिट क्या करेगा, बस ऐसे समझ लो, एक मर्तबा आपने काम करा, कोई क्यूरी चलाई, अब वो आपसे एक फाइनल मर्तबा पूछ रहा है कि भाई पक्का ये काम करना है या नहीं करना, बस ये वो वाली कहानी है, ठीक है। ठीक है, नहीं वो एग्जीक्यूट जो है वो क्यूरी कंपाइल करके रख लेता है, कमिट जो है ना एक्चुअली अप्लाई कर देता है। जी बेहतर सर, ठीक है सर, यहाँ पे फिनिश हुआ है। अब मैं आपको अच्छा मैं होस्ट बनाता हूँ, लेकिन वो तुम डेटा तुम ही समझाते रहना,
मेरी हिम्मत नहीं है बोलने की बहुत ज्यादा। ठीक है मुझे होस्ट कर दो, मैं फाइल शेयर कर लेता हूँ। यही सारी चीजें हैं बस, डेटा जो है वो हमारे पास तरीके वाला। सर आपको होस्ट मैंने कर दिया, मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूँ। को होस्ट कर दिया? जी को होस्ट किया। अच्छा ये देखे हमारे पास जो है, मैं कोशिश कर रहा हूँ जहां तक चलता हूँ चल देगा। जी जी ठीक है। कुछ अभी जैसे कुछ लोगों ने सवाल किया कि जो हमने सारी एक्टिविटी करी है इसका मकसद क्या है, हम कब इस्तेमाल करेंगे? तो देखो भाई जब भी आपके पास क्या होगा, जो आपको काम मिलेगा डेटा एनालिसिस करने के लिए, तो आपके पास डेटा आएगा कहाँ से? दो तरीके, मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं उसको। उसकी पहली बात तो ये है कि कोई आपको जो है ना वो एक्सेल फाइल दे दे, फाइल भेज दे आपको सीधी सी बात, तो आपके पास तो फाइल आ गया, आपने उसे फ्रेम में कन्वर्ट किया और काम कर लिया। दूसरे अगर फाइल नहीं है उसके पास, वो फाइल नहीं भेज रहा, तो वो आपको अपने डेटाबेस का एक्सेस दे देगा। ठीक है, अब डेटाबेस का एक्सेस आपके पास है तो डेटाबेस की क्वेरीज आपको चलानी आनी चाहिए, एसक्यूएल वगैरह पे जो है ना वो काम आना चाहिए, ताकि आप वो डेटा जो है उस अंदाज में जो है फेच कर सकें। तीसरा तरीका क्या है कि वो आपको एपीआई दे देगा कि भाई यहाँ से जो है ना वो आप डेटा जो है वो फेच कर लें। तो हमने एपीआई भी सीखा, हमने एक्सेल और सीएसवी फाइल्स भी सीखा कि हम डेटा जो है ना वो कहाँ से उठा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अच्छा अच्छा एक केस तो ये था कि एक ही डेटा हो जो हमें किसी एक सोर्स से मिल रहा हो, या एपीआई से मिल रहा हो, या फाइल्स में मिल रहा हो, या हमें जो है ना डेटाबेस से मिल रहा हो, चलो भाई ठीक है। लेकिन एक और केस बनता यह है कि हो सकता है कि डेटा जो आपके पास आप आना है एनालिसिस करने के लिए, वो डेटा कुछ फॉर्म जो है उसकी एक्सेल की फॉर्मेट में आपको आ गई, कुछ डेटा जो है ऐसा है जो आपको एपीआई से फैच करना है, और सबके सबसे ऊपर जो है वो मिलकर काम करना है, एक साथ काम करना है। तो अब ये फिर क्या होता है कि ये वाली सूरत हाल होती है कि आपको फिर जो है ना वो सारी चीजें जो है वो आनी चाहिए। और ये भी हो सकता है कि जो अगर फाइल की सूरत में डाटा मिल रहा है, तो हो सकता है वो दो फाइलें हो, तीन फाइलें हो, जिनको आपने मर्ज करना हो, तो मर्जिंग तो जो है ना ओवरऑल जो है वो आपको करनी ही आनी चाहिए। हो सकता है कि वो टेबल्स जो हैं वो आपको जो है ना डेटाबेस से मिल रहे हो, वो अलग अलग टेबल मिल रहे हो, तो उनको मर्ज करके काम करना हो। हो सकता है एपीआई, दो एपीआई से डेटा फेच हो रहा हो, तो उनको आपने डेटा फ्रेम बना के मर्ज करना है। तो इवन इन द एंड जो है हमारे पास क्या होगा, मर्जिंग जो है वो हमें हमारा अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो कुछ नोटबुक जो है वो बनी हुई है कि भाई मल्टीपल डेटा फ्रेम्स कैसे काम करते हैं। तो मैंने लिखा हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मतलब ये क्योंकि यूज केस है तो इसमें चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, ये कहते हैं इमेजिन दैट वी ऑन एन ई-कॉमर्स बिजनेस एंड वी वांट टू ट्रैक द प्रोडक्ट्स दैट हैव बीन ऑर्डर फ्रॉम आवर वेबसाइट। अब प्रोडक्ट्स जो है ना वो ऑर्डर हो रही है अपनी वेबसाइट पे, तो अब टेबल में क्या होगा, यानी हमारे पास डेटा कैसा होगा, ऑर्डर की आईडी होगी, कस्टमर की आईडी होगी, कस्टमर का नाम होगा, कस्टमर का एड्रेस होगा, उसका फोन नंबर होगा, फिर उसने जो प्रोडक्ट खरीदी है प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है, प्राइस क्या है, कितनी क्वांटिटी में खरीदा है, कब खरीदा, यही सारी इंफॉर्मेशन होगी। या और भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इनफ इंफॉर्मेशन है कि जो कोई ऑर्डर जो है वो जा रहा है तो उसके साथ क्या क्या चीजें जो है ना चिपकी हुई होंगी, हमारे पास क्या डेटा होगा। अब क्या होता है हाउएवर अ लॉट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वुड बी रिपीटेड। अब सीन ये है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो क्या होगी, अगर हमारा एक ही टेबल होगा तो रिपीट होगी। मल्टीपल टेबल या मल्टीपल फ्रेम बनते ही इसलिए है कि डेटा की जो है ना रिप्यूटेशन जो है ना कम हो जाए। अब फॉर एग्जाम्पल कैसे, इफ द सेम कस्टमर टेक मल्टीपल ऑर्डर्स, अगर एक ही कस्टमर ने मल्टीपल ऑर्डर्स ले लिए, तो अब बार बार उसकी ऑर्डर कस्टमर आईडी रिपीट होगी नहीं होगी, दूसरी लाइन में कस्टमर नाम भी रिपीट होगा, उसका एड्रेस भी रिपीट होगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, उसकी ऑर्डर आईडी चेंज होगी, उस पूरे डेटा के अंदर प्रोडक्ट की आईडी चेंज होगी, हो सकता है उसने प्रोडक्ट भी वही दोबारा ले लियो। ठीक है,
तो इस तरह बहुत सारी चीजें जो है वो रिपीट हो रही है क्योंकि एक ही ऑर्डर ऑर्डर आईडी तो चेंज नहीं होगी ना क्योंकि एक ही ऑर्डर में मल्टीपल प्रोडक्ट्स वो ऑर्डर करें। नहीं 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 एक ही ऑर्डर में नहीं एक दफा एक अच्छा, हाँ, मैंने, अब मैंने दोबारा जो है ना दोबारा एक और प्लेस कर दिया ऑर्डर सेकंड ऑर्डर कर दिया तो ऑर्डर आईडी भी चेंज हो गई। तो इस तरह जो है वो क्या हो रहा है कि भाई मल्टीपल टाइम जो है वो चीजें आपकी रिपीट हो रही आपके और आपको मैनेज करना ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इफ द सेम प्रोडक्ट इज ऑर्डर बाय मल्टीपल ठीक है ना अगर हमारे पास सेम प्रोडक्ट जो है वो मल्टीपल कस्टमर्स कर रहे हो तो प्रोडक्ट जो है बार बार रिपीट हो रही होगी देन द प्रोडक्ट प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन विल बी रिपीटेड दिस विल मेक अवर ऑर्डर स्टेबल बिग एंड अनमैनेजेबल। ठीक है जी प्रॉब्लम तो हमें समझ में आ गया। सो इंस्टेड वी कैन स्प्लिट अवर डेटा इनटू थ्री टेबल्स। तो हमें क्या करना चाहिए अपना डेटा तीन टेबल में रखना चाहिए। एक तो हमारे पास क्या हो जाएगा ऑर्डर का टेबल हो जाएगा जिसमें ऑर्डर से रिलेटेड सारी चीजें आ रही है। एक हमारे पास प्रोडक्ट टेबल हो जाएगा जिसके अंदर प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी चीजें आ रही है उसकी आईडी क्या डिस्क्रिप्शन क्या प्राइस क्या है। एक हमारे पास कस्टमर का टेबल होगा जिसके अंदर हमारे पास कस्टमर की आईडी क्या है कस्टमर का नाम क्या है एड्रेस क्या है कस्टमर का फोन नंबर क्या है। ठीक है अब हम अब देखो कि जब हमें क्वेरी चलानी होंगी या फ्रेम पे काम करना पड़ेगा तो हमारा अगर मैं अपनी ई कॉमर्स का डेटा आपको दूंगा तो यू विल हैव दीज फोर टू फाइव टेबल्स कस्टमर प्रोडक्ट और कस्टमर इन्फॉर्मेशन है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है और ऑर्डर इन्फॉर्मेशन तीन टेबल तो आपके पास यही खड़े हो गए। अब उन तीन टेबल्स को जो है ना क्या करना है आपने उस पर काम करना है एक साथ। तो अब ये हमारे पास डेटा है इसमें ऑर्डर्स का डेटा अलग है यानी वही टेबल्स की बात जो कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स और कस्टमर्स अलग है। ठीक है ये तीनों मैंने यहाँ पे लोड करा दिए ऑर्डर्स को चेक किया तो हमारे पास वही आ रहा है ऑर्डर आई डी कस्टमर आई डी प्रोडक्ट आई डी क्वांटिटी कितनी हुई डेट क्या है। ठीक है उसके बाद जो है अब हमने कस्टमर जो हमने लोड किए कस्टमर हमने देख लिया तीन कस्टमर है। ठीक है उनकी आईडी है उनका नेम है उनका एड्रेस है उनका फोन नंबर है। ठीक है अच्छा स्ट्रक्चर जहन में है ना प्रोडक्ट्स पे जब आ जाए तो प्रोडक्ट हमारे पास जो है हमारी वेबसाइट के ऊपर चार प्रोडक्ट्स हैं जिनका ये उनके नाम है और उनकी प्राइसिंग जो है वही आ रही है। ठीक है अब ये हमारे पास एक ही वेबसाइट के तीन टेबल जो आ गए जिसके अंदर हमारे पास ऑर्डर प्रोडक्ट और कस्टमर हमने टेबल भी देख लिया किस किस तरह के क्या क्या चीजें। ठीक है अब क्या हो रहा है इनर मर्ज अभी आपने पढ़ा है इसमें जरा जी पूछिए सर ये जो हमें सीएसवी फाइल्स तीन दी गई ये मैं यूजर देगा ना ये हमारे एक क्योंकि डिफरेंट जगहों से हमारे पास आप डेटा आ रहा है एक एक्सेल फाइल आ रही है एक डेटाबेस से आ रहा है और एक कहीं और से आ रहा है तो सर इस डेटा फिर कैसे ये सीएसवी फाइल देगा इसकी मदद से मर्ज करेंगे इसको देखिए या खुद से नहीं देखिए ये जो भी आपको कहेगा कि एनालिसिस करो तो आप उससे डेटा मांगेंगे ना जी सर। मैंने आपको शुरू में केस बताया कि वो डेटा जब आप उससे मांगेंगे तो आप किसी भी फॉर्मेट में दे सकता है वो कहता है येलो एपीआई वो कहता है येलो फाइल्स वो कहता है येलो डेटाबेस का एक्सेस वो किसी भी फॉर्मेट में सकता है। ठीक है अब आपका काम क्या होगा आपने अगर एपीआई से डेटा उठाया है तो आपको इवेंचुअली उसको कहां तक लेकर आना है यहां तक लेके आना है टेबल में कन्वर्ट करना है यही होगा ना हमारा लास्ट वर्किंग यहीं पर पहुंचेगी ना। तो डेटाबेस से भी उठा के हमें टेबल बनाना है एपीआई से उठा के बनाना है और सीएसवी अगर है तो उससे भी टेबल बनाना है। तो अभी हमारे पास क्या केस है अभी हमारे पास ऐसा केस है कि उसने तीनों फाइल जो है वो क्या दे दी सीएसवी दे दी है और तीन फाइल में डेटा क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर एक में होता तो काम करना बहुत मुश्किल होता। ठीक अब हमारे पास हो गया कि वो भी डेटा की शिफा में देगा जो कि हम उस पर एनालिसिस कर सकेंगे आगे। जी हाँ जी हाँ जी हाँ नहीं जरूरी नहीं है कि वो आपको ऐसी फॉर्म में मिल जाएगी आप फॉरन ही काम शुरू कर दें हो सकता है आपसे बोले भाई जैसा करना है आप करो मेरे पास तो इसी फॉर्म में मौजूद है मैं डेटा का एक्सपर्ट नहीं हूँ तो आपको खुद करना पड़ेगा हो सकता है उसके पास डेटाबेस की टीम बैठी भी हो तो आप उसको रिक्वेस्ट करें भाई ये वाली टेबल इसमें कन्वर्ट करके भेजो ये वाला टेबल इसमें कन्वर्ट करके भेजो तो आपका काम आसान हो जाएगा। अच्छा इनर मर्ज जो है वो आपने पढ़ा भी ठीक है और इसलिए हम जरा तेज चलेंगे ताकि टाइम में पूरा हो जाए। सपोज वी हैव द फॉलोइंग थ्री टेबल्स एंड डिस्क्राइब ई कॉमर्स बिजनेस हमारे तीन टेबल है जो अभी हमने देखे हैं ऊपर। If we just look at the order table, we can really that tells what happened in each order. However, if we refer to the other tables, we can get more complete picture. ये हम देख रहे हैं अच्छा अब क्या होता है लेट्स एग्जामिन अब ये यूज केसेस हैं लेट्स एग्जामिन द ऑर्डर विद एन ऑर्डर आई डी वन ऑर्डर आई डी क्या है
वन है, इट वॉज परचेज बाय कस्टमर टू, कैसे पता चल रहा है? ऑर्डर आईडी वन है, किसने परचेज करी है? ऑर्डर आईडी वन है, किसने परचेज करी हुई? कस्टमर आईडी टू ने परचेज करी है। अब कस्टमर आईडी टू का अब जानना चाह रहा हूँ कि नाम क्या है, तो कस्टमर के टेबल में गया, उसकी आईडी देगी, उसका नाम जो है वो ये है, उसने क्या खरीदा है, ठीक है, वो आपको कहां से बचलेगा? प्रोडक्ट की आईडी से बचलेगा, इधर आ जाए, प्रोडक्ट की आईडी यहाँ शामिल हुई है, ठीक है भाई। तो हर टेबल जो है वो दूसरे से क्या हुआ होगा, ज्वाइन हुआ और इजिली आप जो है ना पहुंच सकते हैं। अच्छा, सो टू फाइंड आउट कस्टमर नेम वी लुक द कस्टमर टेबल, लुक फॉर द आइटम विच कस्टमर आई डी वैल्यू टू, वी कैन सी द कस्टमर टू नेम इज जॉन डो एंड दैट शी लिव्स इन दिस दिस एड्रेस भी आ गया। डू दिस काइंड ऑफ मैचिंग इज कॉल्ड मर्जिंग टू डेटा फ्रेम्स। अब हमें आगे चलते हैं, ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन आप पढ़ते रहिएगा। एक हमने डिस्क्रिप्शन बनाया ऑर्डर थ्री डिस्क्रिप्शन, ठीक है, एक हमने ऑर्डर फाइव का फोन नंबर। हम आगे चल रहे हैं, क्या किया हमने, न्यू डेटा फ्रेम बनाया, ऑर्डर्स और कस्टमर को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। अच्छा, मर्ज करते हुए मैंने अभी कोई चीज नहीं बताई है, तो कैसा मर्ज हुआ होगा भाई, जल्दी से बताएं। इनर मर्ज हुआ, ठीक है, ऑर्डर के कॉलम जो हमारे पास ऑर्डर्स थे, ठीक है, इसको हमने कस्टमर्स के साथ मर्ज कर दिया है। या हमारे पास 7-8 रिकॉर्ड आ रहे हैं, अब हमारे पास कितने हो गए होंगे ये, जब ये इनर मर्ज हुआ है, ठीक है, 8 हो गए, 7, ठीक है, ऑर्डर आईडी कस्टमर उनकी जगह आ गए, ये मर्जिंग समझ में आई सबको, ऑर्डर के हिसाब से जो है वो आपके पास जो है सारी चीजें जो है वो अब आपके पास ये मर्जिंग फॉर्म में आ गई, ठीक है, ये सिंपल मर्ज हो गया। अच्छा, दूसरा यहां पर अगर मैं, ठीक है, इसको चला दूं, ऑर्डर और कस्टमर चले तो चल गया, ऑर्डर कस्टमर तो हो गया। अब हमारे पास जो है कुछ और डेटा है, एक कंपनी है, उसकी सेल्स है, उसके टारगेट है, ठीक है, और आपके पास सेल्स के अंदर जो है वो मंथ और रेवेन्यू के कॉलम है, और टारगेट के अंदर जो है वो मंथ और टारगेट है, ठीक है, इस महीने में कितना सेल्स बता रही है, और इस महीने में जो है ना, अब हमने क्या किया, सेल्स का अपना डेटा उठाया, ठीक है, टारगेट का डेटा उठाया, ये आ गया, क्या किया जी, मर्ज कर दिया सेल्स और टारगेट को, और हमने चेक किया हमारे पास जो है ना ये डेटा मर्ज हो गया, ठीक है। अच्छा, डेटा क्योंकि थोड़ा सा रियल है, तो अब आपको चीजें उससे ज्यादा समझ में आ रही होंगी जो हमने वहां पर की थी। अच्छा जी, आसान हो गई, एक मिनट खामोश। अच्छा जी, तो डेटा मर्ज होके हमारे पास आ गया, कुछ कुछ क्वेरीज हैं, इसको देख लीजिएगा, क्वेरी लिखी हुई ऊपर लानी है, और अच्छा जी, अब हमारे पास जो है एक और डेटा सेट मौजूद है, ठीक है, वुमेन मैन वुमेन सेल्स, ठीक है, अब आपने क्या किया, अभी तीन डेटा सेट्स को जो है मर्ज कर दिया, मर्ज
टारगेट्स को वो मैं मर्ज इसके साथ, ठीक है, इसका आ गया टारगेट, अब इसके अंदर आ गया क्योंकि रेवेन्यू इतना ऐसा टारगेट इतना था, मैन वुमेन इसके ऊपर भी फिर हम क्वेरीज लगा लें। तो अब क्या चल रहा है अब कि हम मर्जिंग देख लिए, लेकिन अब इसके अंदर आपको क्या करना, अब आपने भी जो इनर मर्ज सीखा है आउटर मर्ज सीखा है, ठीक है ना, और वो सारी चीजें आप डेटा के ऊपर लगा के जो है ना उसके आउटपुट को आपको क्लियरली जो है वो चीज समझ में आने लगेगी। मर्ज ऑन स्पेसिफिक कॉलम्स है, प्रोडक्ट कॉलम्स मर्ज, इसको ये फाइल में जब शेयर कराऊंगा तो पूरी देखिएगा, नया एक नया डेटा है यहाँ पर, ये न्यू प्रोडक्ट्स डॉट सी एस वी नई प्रोडक्ट्स आ गई है, उसको आपने ऐड करा दिया रीनेम करा के, ये भी अभी आपने सीखा, ठीक है। नहीं करें परवरिश और बता, ठीक है। अच्छा उमेर और क्या है हमारे पास आज के लिए? बस सर चैप्टर 8 आज फिनिश हो गया अभी और जो पिछले 2-3 टॉपिक्स रहते थे डेटाबेस वगैरह के वो भी मैंने करवा दिए, वो भी कवर हो गए। अच्छा ये एक सफिक्सेस का पैरामीटर देखा मैंने कहीं मर्ज के उसके अंदर फंक्शन के अंदर, पर इसमें हाँ सफिक्स, ये सफिक्स का पैरामीटर है ना, हाँ ये असल में ये क्या करता है कि अगर आपके पास जो है मैं इधर से दिखाता हूँ, ये जो है ये आपके पास है यहाँ से मिलेगा सर, अगर कॉलम का नाम चेंज हो रहा हो वो हो रहा होगा ना डुप्लीकेट, तो फिर वो आगे डुप्लीकेट हो रहा होता है तो वो उसके आगे उसको चेंज करने के लिए जिस तरह हम कोई फाइल सेव करते हैं कॉपी बना देता है ना पूरी कॉपी लगा हुआ ऊपर गुजर गया है, स्क्रॉल डाउन अप करें, नहीं मैं उसकी एग्जांपल में देख रहा था, चलो उसने दी होगी राइट इनर लेफ्ट राइट देख लेना वो उसका यही काम ही है, चले सही है डुप्लीकेट में वो डाल देना। अच्छा जी ये जी इस तरह भी सर अभी तो हम सर ये फाउंडेशन आने जरूरी भी है ये, तो सर जब बाद में जब जैसे आप देखते हैं प्रोफेशनल देखते हैं कि वो जो डेटा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू टेबल्स वगैरह इस तरह क्रॉस वगैरह शो रहते हैं जैसे मैचेस के क्या हो जाए तो उस तरह का सर काम भी हम करेंगे। अच्छा वो हम जो है ना उसके लिए डेटा विजुअलाइजेशन जो है ना वो पढ़नी पड़ेगी, तो मेरा टारगेट तो था मैंने शुरू में शायद क्लास में कहा भी था कि मैं कोशिश करूंगा डेटा विजुअलाइजेशन जो है वो कर लूं, ठीक है, लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा कि हम डेटा विजुअलाइजेशन जो है वो कवर कर पाएंगे क्योंकि अभी हमारे सामने जो है इस मॉड्यूल की कुछ काफी क्लासे हो गई और काम अभी बहुत ज्यादा हमारा जो है ना मशीन लर्निंग का पड़ा हुआ है, ठीक है, और वो हमने शुरू कर सकते हैं पोर्टल में है वीडियोस किसकी डेटा विजुअलाइजेशन की, नहीं विजुअलाइजेशन पार्ट नहीं है ना इसका, इस वजह से पोर्टल पे भी नहीं होंगे, मैं एडिशनल करवाना चाह रहा था तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो है ना वो चैनल बना के जो है ना सारी चीजें जो है वो अपलोड कर दी जाए, तो वो काम चल रहा है उसके ऊपर इंशाल्लाह जो है ना वो आपको मिल जाएंगी, जिसमें हम पांडास के अंदर भी जो है ना अभी तो हमने सिर्फ डाटा को टैकल करना ही सीखा है ना, जितना हमारा काम था फॉर मशीन लर्निंग पर्पस कि हमारा डाटा सही फॉर्म में रेडी हो जाए, एनालिसिस तो अभी हमने जो है ना वो किया ही नहीं है, ठीक है ना, तो एनालिसिस के लिए बहुत सारी चीजें जो है वो होती हैं जिसके अंदर जो हमारे पास एनालिसिस के टॉपिक्स जो है ना कस्टमर एनालिसिस है, पनर एनालिसिस है, चर्न एनालिसिस है, ठीक है, एबी टेस्टिंग है, ठीक है, ये बहुत सारे एनालिसिस जो है ये मार्केट में डेटा के ऊपर जो है ना होते हैं, खासतौर पर ई कॉमर्स वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा ये काम हो रहा होता है, तो वो उस पर मैं काम कर रहा हूँ थोड़ा सा, इंशाल्लाह जो है वो
चैनल पे डालूंगा तो वहां से जो है वो आप उससे फायदा उठाइएगा, लेकिन क्योंकि हमारा मशीन लर्निंग का मॉड्यूल है तो उसके लिए हमारा इतना पार्ट है कि हमारे पास डाटा आए, हम डाटा को क्लीन कर सकें और बिल्कुल रेडी फॉर्म में ला सकें सो दैट के वो मॉडल के अंदर जो है उसको फीड किया जा सके। सर इसे डेटा से फ्रीक्वेंसी लेके ये सारा कंप्लीट एंड फॉर्म तक ना ये काइंडली एक बना दीजिएगा, इस पे डिटेल में सारी बता दीजिएगा सर इसकी। उस पे काम चल रहा है इंशाल्लाह, अभी काफी चीजें रिकॉर्डिंग है। ये डेटा से फ्रीक्वेंसी जो है ना ये बहुत ज्यादा जरूरी है और आगे बहुत ज्यादा यूज होता है। ये मैं भी ये यूज करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग वगैरह में, ये बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि कस्टमर को डेटा निकालने के लिए बजाय कि आप उसके पास जाएं आप घर पे बैठकर चीज कर सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट वीडियोस बना दें ताकि इसमें एक डेटा कलेक्शन से लेके उसकी पूरी जो है ना उस पूरी जो है सीरीज बनेगी, पूरी सीरीज बन रही है जी। और वो शुरू मैंने जो है वो पांडास से ही किया, उसको पाइथन वगैरह बाद में बनाएंगे, पांडास से शुरू कर दिया। अच्छा नासिर में कोई रिकमेंडेशन है ये डेटा एनालिसिस वगैरह की, कोई रिकमेंडेशन है मतलब जो रिकमेंडेड मटेरियल है कोई, मतलब जो अवेलेबल हो बुक्स या कुछ ऐसा कि रीड किया जाए? बुक तो हमारे पास जो मौजूद है डेटा एनालिसिस की वो मौजूद है, ठीक है सर। मेरा एक क्वेश्चन था। अच्छा लेकिन उसके साथ रिकमेंडेशन के लिए यूट्यूब भरा पड़ा है यार, कुछ भी देखना शुरू कर दो, लेकिन बस वो है कि वो देखेंगे पूरी सीरीज मौजूद है सारी वन टू एंड जो है ना उसमें कवर अप हो, तो ये मतलब होता है। होता तो है एक्चुअली वेब पे वो सर्च करेंगे तितर पितर होता है ना सारा इधर उधर। हाँ कोई सीरीज देखा करेंगे जिसमें पूरा जो है ना वो सीरीज हो। ठीक है। अच्छा जी कोई क्वेश्चन पूछ रहा था सर, आपने इसमें असाइनमेंट सर ये जो हम पढ़ रहे हैं मॉड्यूल इसमें हम क्लासिफिकेशन रिग्रेशन या एसवीएम मॉडल्स या डिसीजन ट्री ये पढ़ेंगे इस मॉड्यूल में? हम इस मॉड्यूल के अंदर हम डायरेक्ट चलेंगे इसके ऊपर डीप लर्निंग के ऊपर, मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम्स हैं एसवीएम और डिसीजन ट्रीज और ये, इसको मैं कोशिश करूंगा कि एक क्लास में ये सारे एल्गोरिथम जो है ना समअप कर दूं, ठीक है, और डायरेक्ट जो है ना वो हम चले जाएं डीप लर्निंग के ऊपर, समझ रहे हैं बात सर? अगर कोई आप प्रोजेक्ट रेफर कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट जो हम प्रोजेक्ट बनाए हम पांडास पे भी? हाँ जी असाइनमेंट जो है वो आपका रेडी हो गया, अभी असल में क्विज आ गया था नंपाई का, इसलिए रोक दिया था कि अभी नहीं लिया असाइनमेंट, अब क्विज नहीं नहीं वो तो हम करेंगे, वो तो हम करेंगे, कोई टास्क वगैरह देते हैं जैसे नंपाई के दिए थे तो इस तरह के कोई हमें टास्क देते हैं। उसी तरह की बता रहा हूँ जिसके अंदर जो है ना वो एनालिसिस करना होगा बेसिकली, तो वो थोड़ा आपको गूगल करके पढ़ के जो है ना थोड़ी एफर्ट्स करके एनालिसिस करना पड़ेगा, कैलकुलेशंस तो सिर्फ जो है ना लोडिंग और क्लीनिंग नहीं होगी, उसमें एनालिसिस होगा कि ये चीज उसमें थियोरेटिकल एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि यार ये चीज फाइंड आउट करनी है ना, अब आप एक्सप्लोर करें तो इसको कैसे फाइंड आउट करना है, क्या लगेगा, डेटा तो आ गया क्लीन हो गया सब कुछ हो गया, मिल जाएगा असाइनमेंट इंशाल्लाह। तो हमारा जो बेसिक मशीन लर्निंग जो फोकस होगा कंप्यूटर विजन पे होगा या एनएलपी में नेचुरल लैंग्वेज? सबसे पहले हमारी जो है ना डीप लर्निंग शुरू करेंगे हम, उसके अंदर पहले हम बेसिक्स ऑफ डीप लर्निंग जो पढ़ेंगे जिसके अंदर हम न्यूरल नेटवर्क को कम्प्लीटली कवर करेंगे, न्यूरल नेटवर्क फिर हम कंप्यूटर विजन में चले जाएंगे, फिर हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन इस वाले मॉड्यूल के अंदर जो है वो जो जनरल डीप लर्निंग है वो हम पढ़ेंगे, इसमें क्लासिफिकेशन है, मल्टी क्लास है, क्लासिफिकेशन है, रिग्रेशन है, ये सारी चीजें हम करेंगे, स्पेसिफिकली जो कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है वो अगले मॉड्यूल का पार्ट। जो अभी जो बोर्ड सर ने सारा जिया ने अनाउंसमेंट किया है बोर्ड कैंप 2021 जो AI का है वो भी इसके साथ कब तक स्टार्ट हो जाएगा वो वाला? उसके लिए अभी वर्किंग चल रही है, बुढ़ के हम पढ़ाने के लिए पहले खुद पढ़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है इस वक्त हो गई है मार्केट में, तो वो हमें खुद को जो है ना अपडेट होना पड़ रहा है रात भर लगा के जो है ना, तो क्लाउड पे प्रोसेसिंग और सारी चीजें जो है वो सारा क्लाउड पे ही ज्यादा फोकस करेंगे, क्लाउड बेस्ड होगा वो सारा क्लाउड बेस्ड होगा वो इंशाल्लाह, पढ़ रहे हैं अभी सर्टिफिकेशन वगैरह उसकी निकालेंगे सब कुछ करेंगे ताकि आप लोगों को पढ़ाने के काबिल हो सके, इंशाल्लाह वो शुरू हो जाएगा। सर बूट कैंप के प्रीरिक्विजिट्स में रेसिपी करना जरूरी होगा? बूट कैंप में
रश भी पहले से आना चाहिए बूट कैंप में आने से पहले, पढ़ ले तो अच्छी बात है, पाइथन में भी कर सकते हैं, रश में भी कर सकते हैं। तो अगर सिर्फ पाइथन के साथ एंटर हो तो हम काम तो कर सकते हैं ना? हाँ जी कर सकते हैं, बिल्कुल पाइथन का जीके अवेलेबल है। अच्छा सर, जितना ये पाइथन अभी तक हमने पढ़ा है बूट कैंप के लिए, ये यही चीजें सारी काफी हुई है इस मजीद इस करियर में? देखो जब आपके पास अब बेसिक आपको पाइथन आ गई ना, अब पाइथन की लाइब्रेरीज तो जो है ना वो इनफाइनाइट तो नहीं कहना चाहिए लेकिन बहुत बड़ा फाइनाइट है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस डायमेंशन में जाना चाहते हैं, एक्सप्लोर करते हैं फिर उस लाइब्रेरी को आपको जो है ना एक्सप्लोर कर, जिस तरह हम पांडास पढ़ रहे हैं अभी पाइथन में ही लिखी हुई है, तो अब आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस लाइब्रेरी को आपने एक्सप्लोर करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के आप खुद ही इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। हर बार आपको जो है ना वो कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना आप पढ़ लेते हैं तो वो हो जाता है, बस थोड़ा सा आपको जो है ना अपनी गूगल स्किल जो है ना वो बढ़ानी पड़ेगी, सर्चिंग बढ़ानी पड़ेगी, रिसर्च जो है ना उसको उसमें दिल लगाना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ा सर स्टार्टिंग पे आपने कहा था ना कोर्स हीरा पे ले लें पाइथन का, तो वहां से स्टडी कर रहा था लेकिन वहां पे तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी उनका डोमेन है पाइथन की, तो वो तो सर काफी डिफिकल्ट हो जाता, समझ नहीं आती उनकी, तो उसका क्या किया जाए फिर? नहीं वो पाइथन का कोर्स था या किसी और चीज का? पाइथन एआई का था सर, सॉरी एआई में उसने एआई का कोर्स था, अब उसमें तो उन्होंने पाइथन से शुरू किया होगा और वो एआई की तरफ ले गए होंगे सारी चीजों। सर एक और रिक्रूटमेंट की थी वेबसाइट है सर अनीस ने, तो उसपे मैं जग गया था पाइथन ले रहा था, अनीस नहीं सॉरी जो हमारे हेड है फ्लैग पे उन्होंने रिकमेंड की थी, तो उसमें मैं पाइथन का ले रहा था, तो पाइथन का कोर्स में उन्होंने पता नहीं क्या कुछ दिया हुआ था लास्ट में, उन्होंने बहुत ज्यादा लंबा कोर्स था मुझे कंप्लीट नहीं हो सका। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, देखिए मेरी स्क्रीन के ऊपर आप ये यहाँ पे जाए फ्री कोड कैंप में चले जाए। ठीक सर, ठीक है जी, ये फ्री कोड कैंप आ गया, ठीक है मैं यहाँ पे साइन इन कर लें, आप साइन अप कर लें, पता नहीं मैंने किया हुआ नहीं किया हुआ, गूगल कर लें, मतलब मुझे काफी समझ में आता है इनका काम, मैंने साइन अप कर लिया। अब देखें यहाँ पर रेस्पॉन्सिव वेब वेब डिजाइन जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड डेटा विजुअलाइजेशन जो भी कोई पूछ रहा था ना, ठीक है प्रोजेक्ट्स भी हैं, एपीआई के थ्रू भी आ रहा है। ये स्क्रैपिंग के रिलेटेड है सर जी? ये स्क्रैपिंग के डाटा स्क्रैपिंग के रिलेटेड है सर? नहीं नहीं डाटा विजुलाइज नहीं, नहीं डाटा जो जैसे अभी हम डाटा पांडास में ला रहे हैं, अच्छा तो ठीक है ठीक है, उसको विजुलाइज करना ग्राफ, ओके ओके ठीक है। ये है डाटा एनालिसिस विथ पाइथन सर्टिफिकेशन, पाइथन का कोर्स भी है पूरा, ठीक है जो आपने पढ़ा है डाटा क्लीनिंग सीएसवी इंट्रोडक्शन विजुलाइजेशन डुप्लीकेट डाटा फ्रेम सब अभी आपने पढ़ लिया है, इंडेक्सिंग और ये सारी चीजें यहाँ पर है, नंपाई आपने पढ़ लिया, बुलियन अरे सारी चीजें आपने पढ़ी है। अच्छा ये तो ये पार्ट हो गया, फिर नंपाई का पार्ट है, ट्यूटोरियल वीडियोस हैं यहाँ पे यानी कि जी हाँ जी सर हर चीज मौजूद है यहाँ पर, मीन वेरिएंस कैलकुलेटर मैंने इस पे क्लिक किया, ये आपके जो है ना सॉल्यूशन भी देता है क्वेश्चन भी देता है प्रोजेक्ट के हवाले से, तो कोई भी मशीन लर्निंग के आ गए यहाँ पे, टेंसर फ्लो है, न्यूरल नेटवर्क किस तरह काम करता है, मशीन लर्निंग पाइथन प्रोजेक्ट्स है, ठीक है कोशिश करूंगा मैं इसमें से भी आपको कुछ प्रोजेक्ट निकाल के दूं अगर जो डूएबल हो सारी चीजें, ठीक है तो आप इस पर रजिस्टर करके भी काफी आपको चीजें जो यहाँ आसानी से मिल जाएंगी। सर मैंने आपके पोस्ट देखे थे फेसबुक पे जिसमें एमटीए के एग्जाम जिसमें 15 एंट्रेंस, तो उसके सिलसिले में थोड़ा सा बता दें कि उसकी लास्ट डेट क्या है? और यार लास्ट डेट अभी कोई नहीं है लेकिन जल्द से जल्द करवा लें क्योंकि हाँ कभी भी बंद हो सकता है, मुझे जब बोलेंगे यार ठीक है अब इतने काफी हैं हमारे पास तो हम उसमें फिर बंद कर देंगे। फिर दूसरी बात यह है कि एक बार आपकी फीस जमा हो जाएगी ना तो फिर आप कर भी लेंगे, वरना आप 2 साल तक मजीद सोचते रहेंगे। ठीक है। और सर दूसरी ये चीज पूछनी थी कि उसके ऊपर कोर्स का नेम जब हम फीस जमा करवाएंगे तो चलान उसके ऊपर एग्जाम का नाम लिखना लाजमी है या वैसे फीस? नहीं मैंने यहाँ पर जो है ना वो एक फॉर्म दिया हुआ है, अगर आपको नजर आ रहा हो तो
फॉर्म के अंदर जो है ना वो क्या सीन है, वहां पे एग्जाम कोड लिखा हुआ है, एग्जाम का नाम लिखा हुआ, आप सिलेक्ट कर लें उसको। अच्छा इनकेस इनकेस देखें, इनकेस ऐसा होता है कि आपने सिलेक्ट कर लिया लेकिन आप कोई और सा एग्जाम देना चाहते हैं, कोई इशू नहीं है, जिस दिन एग्जाम शुरू होगा ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एमटीए, तो एमटीए एग्जाम की लिस्ट आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, उस वक्त जो सिलेक्ट करेंगे ना बेसिकली वो एग्जाम शुरू होगा आपका। ये मैंने सिर्फ इसलिए रख लिया था कि उसमें से सेपरेट कर सकूं, दो क्लासेस बन सके, और एमओएस वाले बच्चों का एग्जाम एक दिन होगा और एमटीए वालों का एक दिन होगा, अल्टरनेट चल रहे होंगे, एक साथ दोनों नहीं शुरू होंगे, इस वजह से वो उससे परेशान नहीं होगा। डेट वगैरह यार अपनी तरफ से रखोगे ना तो कयामत का दिन आ जाएगा, ये मसला कभी हल नहीं होगा, समझ रहे हो? सर अभी अगर एग्जाम चल रहा है यूनिवर्सिटी के तो सर मतलब अभी प्लान ये है मेरा कि मैं पहले अपनी तरफ से डेट का शेड्यूल जो है ना वो आपको दे दूंगा, फिर उसके अगेंस्ट आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं इस डेट को नहीं दे सकता, मैं इस डेट को दे सकता हूँ, तो फिर मैं अपडेट करूंगा। अभी अगर मैंने पूछना शुरू कर दिया ना तो ये दिसंबर तक चला जाएगा, मुझे पता है। ये बात तो सही है आपकी, ठीक है ना, अभी मैं एक शेड्यूल दूंगा, उसके बाद मैं आपसे पूछ लूंगा, आप फिर मुझे खुद बोलेंगे सर मैं इसको नहीं दे सकता, तो वो फिर एक बंदा बोलेगा, अगर मैंने पहले से अनाउंस कर दिया वो सारे के सारे शुरू हो जाएंगे, तो जिसका इश्यू होगा फिर वही मुझे जो है ना वो बताएगा, मैं उसको फिर अपडेट कर दूंगा, बहुत लंबा डिले नहीं डालूंगा। सर ये एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है फिर? अभी 1 फरवरी से जो है ना वो एग्जाम जो है ना वो लेना शुरू कर देंगे, ठीक है? अब किसी का फर्स्ट को आ जाएगा, किसी का सेकंड को हो जाएगा, किसी का फाइव को हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट को हो सकता है आपका फर्स्ट को हो जाए, तो ये जहन में रखिए। सर आपके साथ मेरी आज पहली क्लास है, मैं पहले सर अनीस की क्लास थी तो मैंने शिफ्ट करवाया अपना। सर ये किस एग्जाम की बात हो रही है? ये एमटीए, व्हाट इज एमटीए? एमटीए ये जो है ना ये माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन होती है, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी एसोसिएट। जैसे आपने पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ी है, आप चाह रहे हैं कि जी मैं जो हूँ उसमें सर्टिफाइड हो जाऊँ माइक्रोसॉफ्ट ये? हाँ ये एमटीए के एग्जाम और एमएस एग्जाम के लिए सबके लिए फीस जो है वो सेम है। अच्छा सेम जो मैं कह रहा हूँ तो वो असल में ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इसके अंदर आपको जो है तकरीबन फ्री में एग्जाम पड़ रहा है ना, ये वाली हिसाब है, वरना तो जो है वो आप इसकी अगर यूनाइटेड स्टेट्स में है तो आपको $127 देने पड़ते हैं, और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपको तकरीबन 64-62 US dollars का पड़ता है, एंड दिस बिकम्स 10,000-11,000 रुपए जो है वो बन जाते हैं, जो आपको 1500 रुपए में जो है वो हो रहा है, ठीक है? सर अगर कोई .NET का करना चाहे, मैंने उसके अंदर लिस्ट दी हुई है ना सारी, लिस्ट में आप देखेंगे सारे एग्जाम्स, तो उसमें देख लें अगर आपको एग्जाम करना वो आ रहा है वेरी गुड, वो अच्छा हो जाएगा। सिलेबस कौन सा होगा एग्जाम के लिए? एग्जाम का सिलेबस कौन सा एग्जाम देना चाह रहे हैं? पाइथन का सिलेबस जो है ना वो मैंने शेयर भी कराया हुआ, आप यहाँ पे जाएंगे पाइथन का जो कोड है अगर उसका लर्निंग नहीं सिलेबस भी ये लिखा हुआ सिलेबस डाउनलोड एग्जाम। अच्छा मैं कर देता हूँ, ये जो है डाउनलोड एग्जाम स्किल्स आउटलाइन ये लिखी हुई है यहाँ पर, ये डाउनलोड करेंगे आपके पास आ जाएगी, इसमें सिलेबस पूरा है, और मैं अभी चैट में जरा ये डाल दूं पहले एमटीए के सर्टिफिकेट को हम लोग जॉब्स के लिए यूज करेंगे या उसका मेन रीजन क्या हो सकता है, सिर्फ ये शो करने के लिए कि हमें पाइथन आती है? हाँ बिगिनिंग सर्टिफिकेशन है, इसके बाद एमटीए के बाद जो है ना एमसीटी होता है, ठीक है, फिर एमसीपी होता है, तो इस तरह होता है, ठीक है, तो ये पहली सर्टिफिकेशन होती है। इसके बाद टेंसर फ्लो होगा ना? इसके बाद हम आप टेंसर फ्लो कर सकते हैं, गूगल की टेंसर फ्लो कर सकते हैं। सर ये अब फरवरी के शुरू में एक टेस्ट हो रहा है, इसके बाद भी कभी होगा? तो नहीं पता मुझे, ये असल में जो टेस्टिंग सेंटर है क्योंकि मैं टेस्ट काफी कंडक्ट कराता रहता हूँ तो वो मुझसे रास्ता करते रहते हैं, हमारे पास वाउचर्स हैं जो लिमिटेड वाउचर्स हैं जो भी हैं, तो आप अनाउंस कर दें, आपके बच्चे देना चाह रहे थे अनाउंस कर देता हूँ उनको।
अब बाद में कब आएगा नहीं पता जी। सर सर आपसे ये HTML ये CSS का भी कोई मिल सकता है MTA का सिलेबस? देखो आपको सिलेबस तो सारे मिल जाएंगे, आपको पास पेपर भी अगर चाहिए ना तो आप यहाँ पर लिखेंगे ग्रेटिस एग्जाम, ये जो कोड आ रहे हैं ना इनकी साइट पे जाएंगे आपको सारे पास पेपर मिल जाएंगे, डम्प्स मिल जाएंगे ठीक है। ये सॉफ्टवेयर फंडामेंटल्स का है ठीक है, ये यहाँ पर सारे मिल रहे हैं आपको ठीक है, ग्रेटिस एग्जाम्स तो आप अपना जो भी एग्जाम है उस पर ढूंढ लीजिएगा मिल जाएंगे ठीक है जी। अच्छा जी टाइम हो गया फिर हम ऑफ करते हैं, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में लगात होगी, ये सारी चीजें हम शेयर करा देंगे, प्रैक्टिस काफी करिएगा ठीक है। ओके सर। सर एक और चीज पूछनी थी कि हम एक से ज्यादा एग्जाम दे सकते हैं क्योंकि मेरे अभी जी हां जी हां दे सकते हैं, डॉटनेट में हो तो मेरा तकरीबन 3 साल तकरीबन दे सकते हैं। सर मेरा सवाल ये था कि मैंने आपका पिछली दफा मई में पेपर पाइथन का MTA का, क्या उसके आप पाइथन का कोई और एडवांस आप करवाएंगे सर्टिफिकेशन? वो उसके लिए मुझसे पर्सनल में रब्ता कर लेना, मैं बता दूंगा ठीक है। उसके अलावा सर ये जो बूट कैंप है, बूट कैंप में वो कह रहे हैं कि वो आपको AWS का अकाउंट चाहिए, तो वो मेरा अकाउंट नहीं बन सकता, वो ID कार्ड मेरा बना नहीं हुआ। किसी और के आईडी कार्ड से बना लो, किसी और के ATM कार्ड से बना लो। ऑलराइट थैंक्स। लिंक शेयर कर दें जी, लिंक मैंने चैट में डाल दिया है, इसका चैट में डाल दिया नहीं है? नहीं डाल दिया। अच्छा वो एवरीवन नहीं किया शायद, मैंने अभी डाल दिया, तो डाल दिया मैंने अब ठीक है जी सर, थैंक्स। सर ये मैं देख रही थी सिलेबस जो है वो अपने सेकंड जो क्विज है, सॉरी थर्ड जो क्विज है पेंडास का, ये इसके हिसाब से अपने तकरीबन सारा कोर्स आज कवर हो गया है। तो सर मैं सर इसी क्लास आई हूँ, वो तो भी आई थिंक शायद पिछली क्लास में 6 चैप्टर हुआ, तो वो तो 5th पे हम अभी थे ना, तो पिछली क्लास में अटेंड नहीं कर सकी, 6 हुआ होगा तो उसकी वीडियोस अवेलेबल है, मैंने लिंक शेयर कराया हुआ है, सारी वीडियोस जो है ना वो यहाँ पे क्लास की, मेरी क्लास की ना, मैं यहाँ दिखा देता हूँ ड्राइव पे, मैंने ड्राइव का लिंक दिया, मैं अभी दोबारा डाल देता हूँ, ये है Q2, इधर मैं अपलोड कर देता हूँ आपको, यहाँ लिंक देता हूँ ठीक है, डन, चैट में डाल रहा हूँ ये लिंक ना, इसमें सारी क्लासेस जो है अंदर मौजूद है, NumPy 1, NumPy 2, Pandas 3, 4 सारी, तो ये मैं डाल देता हूँ। चैट में क्या हुआ, ये लिंक भी दे दिया मैंने ठीक है। ओके जी, ओके सर, अल्लाह हाफिज़ सर। Thank you.